हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी में। मैं दीपक सिंह। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक कंप्लीट वॉइस रॉय। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा का पूरा वॉइस रॉय कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए जस्ट अ सेकंड। चलिए देखिए भाई, मैं दीपक सिंह है। मैं बीकॉम हूँ फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से। मैं MA हूँ हिस्ट्री में और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मैं MA हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मैंने यूनिक अकेडमी पुणे, आहान एजुकेशन इंदौर, कौटिल अकेडमी इंदौर में भी पढ़ाया है। उसके अलावा मैंने UPSC के सारे स्टेजेस जो हैं, ठीक है, उसमें मैं पर्सनैलिटी तक गया हूँ और मेंस क्लियर किया है। इंटरव्यू 3 दिए मैंने, 12, 15 और 17 के। ठीक है, और मैंने खुद बुक लिखी हुई है बहुत सारी, तो उसमें से दो बुक जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहली एक बुक जो है द फर्स्ट वन, वो मॉडर्न हिस्ट्री की है। आप लोगों को अवेलेबल हुई होगी, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं हो जुड़ जाएंगे उनको अवेलेबल हो जाएगी। एक ज्योग्राफी की है, ठीक है। इसके अलावा मेरी खुद की अकेडमी में अकेडमी चणक अकेडमी, जिसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन करें उसको, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक बेटर प्रिपरेशन आपकी कराई जा सके। ठीक है, देखिए बेटा, आप में से जिन लोगों को भी अन अकेडमी का प्लान लेना है, बहुत सारे प्लान है, जैसे 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का है, तो बहुत सारे मंथ के यहाँ पे प्लान्स अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, जिसमें आप 8,000 रुपीज भी फीस है, यहाँ पे आप सॉरी 8,000 है, 20,000 है, 36 है, 44 है और 64,000 है। अब इसमें से आप जिस भी प्लान को लेना चाहते हैं, आप मेरा कोड यूज करेंगे Deepak1, तो यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। लाइक अगर 44,000 वाला प्लान लेते हैं आप 12 मंथ का, तो आपको Deepak1 कोड यूज करना है और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 39,600। और मैं आपको पर्सनल, ठीक है, मेंटरशिप दूंगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द पर्सनल मेंटरशिप। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट लाइक EPDF, करंट अफेयर्स नोट्स भी मैं इस वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हिंदी वालों के लिए अलग, इंग्लिश वालों के लिए अलग। मैं अपने बच्चे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं अन अकेडमी पे, मतलब अपने टेलीग्राम ऐप पे, जो अन अकेडमी _Deepak Singh नाम से है, उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पे सारे PDF। ठीक है, उसके अलावा सेकंड देखेंगे 24 मंथ, अगर आप UG में हैं, ठीक है, UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू शुड गो विद 24 मंथ प्लान। ये 64,000 इसकी फीस है एंड यूज माई कोड Deepak1 एडिशनल गेटिंग 10% डिस्काउंट। क्लियर है? चलो ठीक है, कुछ भी हो शॉर्ट करके एक बार मुझे भेज देंगे तो मैं मुझे वो पता चल जाएगा, फिर उसके बाद फिर मैं आपको खुद ही पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। सेकेंड, अगर आप हमेशा के लिए एक पर्सनल कोच चाहते हैं, मेन्स आंसर प्रैक्टिस डेली चाहते हैं, स्टडी प्लानर चाहते हैं, पर्सनल फीस फीडबैक चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि 12 मंथ का 64,000 में और 24 मंथ का है जो 99,000 में। क्लियर है? आप Deepak1 कोड यूज करेंगे, यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट एंड योर फीस विल बी 57,600 और हेयर 89,100। ठीक है, दोनों जगह आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक को हम लोग। ठीक है, ओके ओके, आई विल प्रोवाइड यू द बुक लिस्ट टॉपिक। अभी तो मैं वो बेटा बुक्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे ही, तो बुक लिस्ट क्या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे पढ़ना है उसकी एक शॉर्ट वीडियो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, उसकी वीडियोस बेटा दूसरे सेक्शन में बन रही हैं, हम लोग UPSC से हैं तो हमारे सेक्शन में अलग है, दूसरे सेक्शन में उसकी बन रही है। ठीक है, याद रखेंगे Deepak1 होगा। ठीक है, नॉट ओ या नी, जस्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे Deepak1 आपको ये जो दिख रहा है ना, ये Deepak1, नॉट ओ एन ई, ओके, 1 न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो भाई तो स्टार्ट करें आज। लो भाई, सबसे पहला पर्सन जो कि लास्ट गवर्नर जनरल भी था, ठीक है, और सेकंड, देखो बेटा जो कुछ भी डिस्कशन करना लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि मैराथन सेशन में बच्चों ने कंप्लेन की कि सर आप बीच में चैट में चले जाते हो तो उससे हम लोग का लिंक टूटता है, तो लिंक ना टूटे। ठीक है, उसके लिए मैं कम से कम इधर पढ़ाऊंगा डायरेक्ट आज पूरा, और उसके बाद आपके डाउट में लास्ट में ले लूंगा, एक लाइन से डाउट उस समय पूछ लेना। ठीक है, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो यू शुड ब्लॉक। ओके, चलो देखो, तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट
गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने, मतलब इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इनके बारे में जानने जा रहे हैं। तो यहाँ लॉर्ड कैनिंग से हमारा सफर आज माउंटबेटन तक होगा, ठीक है। बी कंप्लीटेड फ्रॉम लॉर्ड कैनिंग टू माउंटबेटन। हर एक पॉइंट को, एवरी पॉइंट आई एम गोइंग टू कंप्लीट, बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, होल ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी आई एम कंप्लीटेड ऑन दिस चैनल। तो फर्स्ट वॉच द मैराथन सेशन, ठीक है, देन अटेंड दिस सेशन। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट को कवर कर रहा है, क्लियर है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग में, द फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन एंड द गवर्नमेंट एक्ट 1858, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही ट्रांसफर ऑफ जो कंपनी, जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी, इसका सेशन एंड हो गया। क्राउन जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था कंपनी में, उसका सपना पूरा हुआ, बहुत दिनों का सपना पूरा हुआ। और ये सपना जैसे ही साकार हुआ, क्राउन आ गई, बोला भाई साहब निकल लो, तो तुम इधर से, कंपनी निकल गई और क्राउन आ गया। अब क्राउन को आने के लिए एक एक्ट बनाना जरूरी है, बिना कानूनी कार्रवाई के तो क्राउन आ नहीं सकता है। तो उस लीगल जो प्रोसीजर हुआ, जो कानूनी कार्रवाई हुई, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858, ठीक है। डोंट माइंड मी आस्किंग अबाउट, कैन यू प्लीज शेयर द रीजन ऑफ द योर नॉट क्लियरिंग सिविल सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो संगीता, मैं बिल्कुल फ्रैंक होकर बात करता हूँ, मुझसे कभी नहीं, कभी मैं माइंड करता ही नहीं हूँ कुछ भी बोलो, क्योंकि जो रियलिटी वो रियलिटी है। सबसे पहली बात क्या है कि बेटा, मैं नियर अबाउट, हम लोग की जो स्कूलिंग हुई बहुत छोटी जगह से हुई है, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाया। बनारस यूनिवर्सिटी पढ़े, फिर BHU पढ़े, मैं CA कर रहा था, CA में मैं लास्ट ईयर नहीं निकाल पाया हूँ, मैं पहले के 2 निकाला हूँ, मैं IPCC निकाला हूँ, सब निकालो, फाइनल का नहीं दिया था। देन सडन में गया कहाँ पे, सिविल सर्विस में। अब बेटा सिविल सर्विस में मेरे जाने के पीछे का मोटिव क्या था, वो एक अलग टाइप की स्टोरी। उसी स्टोरी में क्या है, कुछ ऐसा हुआ था इंसिडेंट मेरे साथ, मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ हुआ था कि जिसकी वजह से एक मोटिव आया कि नहीं यार, अगर सुधार करना तो सिविल सर्विस में जाना चाहिए। शुरुआत से कभी ये ड्रीम नहीं था, अचानक सिविल सर्विस में गए। कोचिंग करने के लिए भी बैकग्राउंड नहीं था, क्यों? क्योंकि CA में ऑलरेडी मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया था। आप स्टूडेंट हो, आप समझते हो, आप अगर फादर को बोलो CA करना, CA में आप दोनों सेशन निकाल लो, देन आप बोलो कि IAS करना, तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो विदाउट एनी कोचिंग आई विल ट्राइड माई बेस्ट। 3 इंटरव्यूज दिए, उस समय कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं होता था, अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, जो था एवरीथिंग ऑन द कोचिंग, ठीक है। और कोचिंग करने के लिए भाई साहब आई डोंट हैव अ मनी, ठीक है, और ट्यूशन पढ़ाता था, उससे खर्चे निकल जाते थे, यही चलता था। तो इस तरीके से मैं उठ के आगे आया हूँ अपने दम पे। बट संगीता, वन थिंग आई एम गोइंग टू क्लियर, आई एम ऑलरेडी क्लियर द UPSC एग्जामिनेशन। जो मेरा एक बैकग्राउंड था उसमें मैंने UPSC जरूर क्लियर कर लिया है, ठीक है। आज आप देखते हैं कि बोलते कोई पेट्रोल पंप वाले का लड़का, या फिर कोई किसी का लड़का या इनका लड़का IAS बन जाता है, वो रीजन ये है कि आज उनके पास में सुविधाएं बहुत है। जैसे अनअकैडमी, अब आप में से बहुत सारे लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टीचिंग मिल जा रही है फ्री। जैसे अब ये सेशन फ्री चल रहा है, ठीक है, अब ये सेशन तो आपको फ्री मिल रहा है, लेकिन हमारे टाइम में कौन पढ़ाने वाला था, इलाहाबाद था या फिर दिल्ली था, उसके लिए आपको उतना पेमेंट करना पड़ता। अब इतनी बड़ी फीस तो थी नहीं, क्योंकि CA में वैसे ही बर्बाद किया। तो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, बट आई क्लियर्ड, गॉट क्लियर्ड RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, UPSC, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं विदाउट एनी कोचिंग, सबसे पहली बात। इसीलिए मेरे पढ़ाने में एक चीज़ आप देखोगे, मैं कभी भी रटा रटाया नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत एनालिटिकल पढ़ाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन भी पूछते हो कि जैसे जागीरदार क्या है, जमींदार क्या है, ये वो, बहुत सारे टीचर इग्नोर करते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू इग्नोर। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं पूछ लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ तो हुआ है, तो खुल के बोलता हूँ, ये तो नहीं बोलता हूँ ना सिलेक्टेड हो गया था, ठीक है। चल यस यस संगीता, नो इज ऑल द बेस्ट। व्हाइट म्यूटनी बाय द यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859, ठीक है, व्हाइट म्यूटनी जो यूरोपियन ट्रूप्स की हुई थी 1859 में, वो भी किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं व्हाइट म्यूटनी आखिर क्या थी, तो समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। व्हाइट म्यूटनी बेटा ये थी कि उस समय जो जब क्राउन इंडिया में आया, तो क्राउन की अपनी एक मिलिट्री आई,
और ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी मिलिट्री अलग थी। तो एक कंपनी की मिलिट्री अलग थी जो कि सीनियर पीपल्स थे, इंडिया को बहुत अच्छे से जानते थे, एक क्राउन की मिलिट्री या पुलिस जो सिस्टम है वो अलग आया। अब ये दोनों सिस्टम इंडिया में रह रहे थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम था उनको क्राउन अपनी तरफ मिलाने के लिए एक्स्ट्रा उनको अलाउंस देने लगा, बोला आपको ये भी पैसा मिलेगा, ये इंसेंटिव मिलेगा, ये मिलेगा, उनकी जो सर्विसेज थी उनको बढ़ा दिया और जो ब्रिटिश क्राउन की आर्मी थी उनकी सर्विसेज कम हो गई। तो ये जो बीच में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला ना यहाँ पे, ये जो बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, तो जो क्राउन की मिलिट्री थी उसने रिवोल्ट कर दिया। किसके खिलाफ में? क्राउन के खिलाफ में, कि नहीं भाई हम तुम्हारी मिलिट्री हैं, हम इंग्लैंड से तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमारा सपोर्ट करने की जगह तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स का सपोर्ट कर रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी, जो कि यूरोपियन ट्रूप्स ने की थी 1859 में। ठीक है, याद रखेंगे 1859 में। राहुल बाबा मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है, मैं आपको सेंड करूंगा राहुल बाबा, बिल्कुल मैं सारी चीजें सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ट्रिक्स वगैरह देखो बेटा, जिनको ट्रिक्स चाहिए टेलीग्राम से ले लेंगे आज रात को, वहां पर मैंने ट्रिक्स बनाई है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के लिए भी बनाई है, सबके लिए बनाई है, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की ट्रिक दे दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो यूपीएससी में ट्रिक काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे तो ये आ गया समझ में व्हाइट म्यूटनी क्या था। ठीक है, व्हाइट म्यूटनी में जो क्राउन की मिलिट्री थी वो रिवोल्ट कर दिया था, किसके अगेंस्ट में? क्राउन के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि क्राउन जो था वो सब बेनिफिट किसको दे रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री को, जो कि ओल्ड मिलिट्री थी, इनके ऑफिसर्स भी रैंकिंग में ज्यादा थे, तो इसीलिए इन्हें रिवोल्ट कर दिया, जिसे हम व्हाइट म्यूटनी कहते हैं। ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सेकंड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था वो पास हुआ। इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया था। ठीक है, इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया था। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग ने इसमें जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी स्टार्ट की थी, ठीक है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को बांट दिया था, अलग अलग पार्ट में बांट दिया था, यह भी इसी टाइम में हुआ था। ठीक है, 6 से जो विधान, जो ये क्या कहते हैं इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 6 से 12 तक मैक्सिमम नंबर बढ़ा दिए गए थे इसी टाइम में इंडियन काउंसिल एक्ट में। तो एक्ट के ऊपर तो कल से क्लास है ही, वहां पे आप एक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। आज गवर्नर जनरल करना है, एक्ट पे नहीं जाना है, एक्ट कल पूरा 1773 से और 1935 तक पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, वो कल वाली क्लास में रहेगा, क्लियर है। चलो, लेकिन यहां पे बताता चलूंगा हल्का हल्का, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से 1863 के बीच में ये रहे, एक साल ही ये यहां पर रह पाए। इन्हीं के टाइम में, ठीक है, इन्हीं के टाइम में वहाबी मूवमेंट वॉज हैपेंड। ठीक है, वहाबी अब्दुल वहाब, ठीक है, अब्दुल वहाब वहाबी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पहले रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जो बाद में रिलीजियस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था। तो वहाबी मूवमेंट पूछ सकता है ड्यूरिंग विच रेन, ठीक है, तो हुज रेन, तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के रेन में ये हुआ था, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस थर्ड आपके वॉइस रह रहे हैं, ये 64 से 69 तक इंडिया में रहे हैं। इनके टाइम में भूटान वॉर हुआ था, भूटान वॉर 1865 वाज हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेटिंग अप द हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में इन्होंने हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश किया था। किसने? सर जॉन लॉरेंस ने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में केवल कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश, बट इन द टाइम ऑफ जॉन लॉरेंस 2 अदर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इन बॉम्बे एंड मद्रास। दैट्स वाई पूरा 3 सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम हो गया था इंडिया में इन्हीं के टाइम में। क्लियर है, गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो तो छोटे छोटे थे, बड़े बड़े वाइसरॉय आज बहुत आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी जो हमारे पेपर में अक्सर पूछा करता है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, ओपनिंग ऑफ राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़।
हमें लगता है आज तक आपने मेयो को लेकर केवल मेयो कॉलेज सुना होगा, बट एक और कॉलेज का नाम लिख लेना अपने नोट्स में, राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मेयो कॉलेज एट अजमेर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉर्ड मेयो। अब आपको ये लगेगा कि सर ये वॉइसरॉय कब से ये इंडियंस के लिए कॉलेज एस्टैब्लिश करने लगे, तो ये इंडियंस के बेटरमेंट के लिए, इंडियंस के एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं एस्टैब्लिश करते थे, दे एस्टैब्लिश कॉलेज फॉर ट्रेन द प्रिंसेस, ठीक है, फॉर ट्रेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, फॉर ट्रेन द सिविल सर्वेंट, इनके लिए किया जाता था। जैसे लॉर्ड वेलेजली में मैंने आपको पढ़ाया था, लॉर्ड वेलेजली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज, क्यों, बिकॉज ही वॉन्टेड टू ट्रेन सिविल सर्वेंट बिफोर ज्वाइनिंग इन टू इंडिया, ठीक है, फर्स्ट ये। सेकेंड आप देखेंगे कि राजकोट कॉलेज और मेयो कॉलेज लॉर्ड मेयो क्यों आकर स्टैब्लिश करता है, क्योंकि ये चाहता है कि जो इंडियन प्रिंसेस है ना, इनका रिलेशन जो बाकी लोग हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश हो। कौन बाकी लोग? इंग्लिशमैन, ब्रिटिशर्स, वो हमेशा ब्रिटिशर्स को एक अच्छी नजर से देखे, उनको ट्रेंड किया जाए उस हिसाब से। इसके लिए इन्होंने राजकोट और मेयो कॉलेज को स्टैब्लिश किया था अजमेर में। अभी भी मेयो कॉलेज अजमेर में बहुत फेमस कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, आप सभी को मालूम होगा, जो राजस्थान से होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा, ठीक है। आई वॉज टेकिंग सेमिनार इन दिस कॉलेज एक्चुअली। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या चीज है भाई साहब, ये स्टेटिस्टिकल सर्वे क्या है, ठीक है, तो चलो बताओ, आप लोग मुझे बताओगे कि क्या सेंसस सबसे पहले करने वाला यही पर्सन था क्या, मेयो, जो सेंसस सबसे पहले किया था, ठीक है, बताएंगे क्या ये मेयो था जिसने सेंसस सबसे पहले निकाला था? यस, लेकिन इसका सेंसस सब फर्स्ट फेल्ड सेंसस कहलाता है। तो आई वॉन्ट द ओनली सिंपल डेफिनेशन ऑफ द सेंसस, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो सेंसस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब देखो, लॉर्ड मेयो ने यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले स्टेटिस्टिकल सर्वे करवाया, इस सर्वे में उसने सेंसस कंडक्ट करवाया, बट ये सेंसस का डेटा जो था वो कंप्लीट नहीं था, दैट्स वाई ये सेंसस फेल्ड हो गया, जो कि 1871 में इसने करवाया था, ठीक है, 1871 में इसने करवाया था। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इनटू इंडिया आल्सो, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैविंग डायरेक्ट फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पीपल्स, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पीपल्स एंड मेजर थिंग इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे, डू यू नो, इससे पहले रेलवे केवल प्रेसिडेंसी को जोड़ने के लिए थी, लेकिन नहीं, अब बंगाल प्रोविंस में हम इस रेलवे लाइन को जोड़ेंगे। अब जो लोग कलकत्ता से होंगे उनको मालूम होगा, कचड़ा पड़ा, कल्याणी, सुना है, बाग मोड़, रसतला, ठीक है, हाँ, तो याद रखेंगे, यस यस, देखो याद रखेंगे, तो स्टेट में एक सिंपल स्टेट में रेलवे लाइन स्टेट के हर एक सिटी को जोड़ने के लिए इंट्रोड्यूस करने वाले भी पर्सन थे लॉर्ड मेयो, डेट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, याद रखेंगे, बिकॉज रेलवे इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी, बट स्टेट रेलवे इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड मेयो, क्लियर है, गेटिंग द पॉइंट, यस यस। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लेकिन सबसे पहले सेंसस का डेफिनेशन तो बता दूं, ठीक है, सेंसस का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, किसी भी कंट्री का सोशियल, ठीक है, इकोनॉमिकल, ठीक है, और सॉरी सोशियल इकोनॉमिकल रिलीजियस अभी हो गया, क्योंकि लास्ट वाला सेंसस रिलीजियस भी निकाला गया, रिलीजियस, ठीक है, और अभी तो कास्ट वाइज भी निकाला गया, तो इन सबका जो डेटा कलेक्टिव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी ऑफ अ कंट्री सोशियल इकोनॉमिकल रिलीजियस, ठीक है, ये इसी डेमोग्राफी को हम क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1871 में ट्राई किया गया, फेल हो गया, 10 साल बाद रिपन आएंगे करेंगे, और वहां से रिपन फेमस हो जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, यस यस, बिल्कुल मैंने, बिल्कुल राइट, देखेंगे।
बिजी टॉप प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875। तो वेल्स कौन है भाई साहब? तो वेल्स वो प्लेस है इंग्लैंड का बेटा जहां पे सबसे पहले कोल मिला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, और वेल्स वही जगह है जहां आज कोल का एक कण भी नहीं है। ठीक है, आप इतना सा भी कोल नहीं देख सकते, इतना इंग्लैंड वालों ने वेल्स का मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन किया है, रिसोर्स का एक्सप्लॉटेशन किया है। अगर वेल्स ना होता तो इंग्लैंड में आईआर नहीं हुआ होता, ऐसा बोला जाता है। और आज वेल्स में इतना भी कोयला नहीं है, इतना ज्यादा रिसोर्स का यूज किया है किसने? इंग्लैंड वालों ने। ये प्रिंस ऑफ वेल्स इसी टाइम 1875 में आए थे, उस समय नॉर्थ ब्रुक जो थे वो वायसराय थे इंडिया के। ये प्रिंस कौन थे? तो एल्बर्ट, ठीक है, एल्बर्ट एडवर्ड इनका नाम था। ये एल्डर सन थे, बड़े बेटे थे क्वीन विक्टोरिया की। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के बड़े बेटे, एल्डर सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ऑल्सो द प्रिंस ऑफ वेल्स, केम ड्यूरिंग द नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, टाइम ऑफ नॉर्थ ब्रुक। क्लियर है? वीडियो को लाइक करते जाएंगे भाई साहब, अगर पढ़ाना समझ में आ रहा है तो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग दिमाग लगा लेंगे। अब देखो, मेरे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनलाइक आता है, तुमको मालूम है? ये एक कोई है जो दुश्मनी करके बैठा हुआ है। ट्रायल ऑफ गायकवाड ऑफ बड़ौदा। अब बड़ौदा के गायकवाड से इनकी क्या प्रॉब्लम थी? इनका ट्रायल क्यों हुआ? ट्रायल वर्ड का यूज कहां पे होता है? ठीक है, ट्रायल वर्ड का यूज वहां पे होता है जहां पे आप किसी विक्टिम को बार बार पेशी पे ले जाते हो। जैसे अभी रिया चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ट्रायल चल रहा है फ्रॉम दी चक्रवर्ती यूनिवर्सिटी। उनके भाई को ट्रायल में दोषी पाया गया, जेल में बंद कर दिया गया, तो इसे हम ट्रायल कहते हैं। ये ट्रायल उस समय मल्हार राव गायकवाड थे, बड़ौदा के किंग, ठीक है, उनके ऊपर चलाया गया था। आखिर रीजन क्या था? तो आपको मालूम होगा कि सब्सिडायरी अलायंस में एक रेजिडेंट होता है जो आपके स्टेट में आके रहता है, और जब वो रेजिडेंट आपके स्टेट में आके स्टैब्लिश होता है तो वो रेजिडेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी को एंड कर देता है। अगर आपको कुछ भी करना हो तो उससे पूछना पड़ेगा। तो मल्हार राव गायकवाड बहुत परेशान थे, जो फायरे नाम का एक रेजिडेंट था उनके यहाँ पे, उससे बहुत परेशान थे। उस समय नॉर्थ ब्रुक जो थे वो गवर्नर वाइस रॉय थे। तो नॉर्थ ब्रुक के पास में मल्हार राव जो गायकवाड, उन्होंने बोला कि साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूं इससे, इसका कुछ तो करो। ठीक है, कुछ तो इसका अल्टरनेट निकालो। तो नॉर्थ ब्रुक थे, उनका बनता था मल्हार राव गायकवाड से, तो उन्होंने बोला ठीक है करेंगे। लेकिन नॉर्थ ब्रुक कुछ भी कर पाने में लेट हो गए। नॉर्थ ब्रुक ने जैसे ही रिप्लेस करना चाहा फायरे को पॉइजन दे के गायकवाड ने मरवा दिया था बड़ौदा में, इसलिए गायकवाड को डिपोज कर दिया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया, उनको मद्रास भेज दिया गया, और जब वो मद्रास गए तो वहीं उनकी डेथ हो गई। दिस इज द फेमस ट्रायल नोन एज द ट्रायल ऑफ गायकवाड। ठीक है, कब? बड़ौदा में, जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में हुआ था। दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। कूका मूवमेंट इन पंजाब। अब भाई साहब, कूका मूवमेंट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो कूका मूवमेंट से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तीन क्वेश्चन बनते हैं फेमस। पहला क्वेश्चन, किसके टाइम में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के टाइम में। सेकंड क्वेश्चन कूका मूवमेंट से ये बनेगा कि कौन थे इसके हेड? तो बाबा राम सिंह। ठीक है, रामचंद्र बोलो या राम सिंह बोलो, दोनों इन्हीं के नाम थे। तीसरा आ जाता है, कूका मूवमेंट क्यों हुआ था? तो कूका मूवमेंट पहले स्टार्ट हुआ था रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन सिख रिलीजन, सिख रिलीजन में प्यूरिफिकेशन के लिए स्टार्ट हुआ था, बट लेटर दिस मूवमेंट कन्वर्टेड, ठीक है, लेटर दिस मूवमेंट कन्वर्टेड एंटी ब्रिटिश कैंपेन। मतलब स्टार्ट हुआ सिख रिलीजन के प्यूरिफिकेशन के लिए, बाद में ये एंटी ब्रिटिश हो गया था। दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन क्वेश्चन कूका से आपके लिए बनेंगे, ठीक है, बस याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड लिट्टन आ गए, मतलब वाइस राय में पहला आदमी जो बदनाम हुआ। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि लिट्टन बदनाम हुआ क्राउन तेरे लिए, वो ये हालात, वो ये पर्सन है, लिट्टन बदनाम हुआ क्राउन तेरे लिए, वो ये। ठीक है, कैसे? चलो दिखाता हूं। देखो भाई, लिट्टन जो थे, पहले कहानी सुन लो मेरी, फिर मैं बताता हूं। लॉर्ड लिट्टन आए यहां पे, लॉर्ड लिट्टन आए थे। आते ही उन्होंने क्या किया कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पास किया। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के अकॉर्डिंग क्वीन विक्टोरिया को कैसे हिंद का टाइटल दिया गया? नाउ क्वीन विक्टोरिया एडॉप्ट द टाइटल कैसरे हिंद।
विच मीन्स क्वींस एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब अब भारत की महारानी हो गई कौन, सॉरी क्वीन विक्टोरिया बाय द टाइटल एक्ट, ठीक है याद रखेंगे, बाय द रॉयल टाइटल्स एक्ट। जब उसने ये किया तो अब उसके लिए भाई साहब अब क्या करना चाहिए था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब भाई बड़ी सी फंक्शन तो करना पड़ेगा, ऐसे टाइटल देकर तो छोड़ोगे नहीं। तो इसने दिल्ली में फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया, याद रखेंगे दिल्ली में फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ, पैसा लेविसली ऐसे ऐसे बहाया गया, ठीक है लेविसली पैसा एक्सपेंस किया गया। उसी टाइम जो जनता थी उसने देखा कि उस समय आप मद्रास में, बॉम्बे में, मैसूर में, हैदराबाद में, पंजाब में फेमाइन आया था, ठीक है फेमाइन का मतलब क्या हुआ था, सूखा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ है, और इस सूखे में, इस फेमाइन में, इस स्कार्सिटी में लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है लोगों में, और द वॉइसराय ऑफ इंडिया लैविशली एक्सपेंस द मनी फॉर कैसरे हिंद टाइटल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। अब न्यूज़पेपर वालों ने छापना शुरू किया, बोला ये कैसा वॉइस रॉय है, ये तो मूर्ख है, गधा है, लिखना शुरू किया, इसने पब्लिश करवा दिया। तो तुरंत लिट्टन नाराज हो गया, लिट्टन बोला नो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो बोला गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, तो बोला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब तुम जो न्यूज़पेपर में हमारे खिलाफ लिख रहे हो ना भाई साहब, अब तुम नहीं लिख सकते, अब अगर तुमने लिखा ठीक है तो फिर तुम्हारी पूरी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आके उसको जब्त कर लेगा, ठीक है उसको अपने अंडर में ले लेगा, तुमको जेल भेज दिया जाएगा, प्रिजन में भेज दिया जाएगा, पनिशमेंट ऑफेंस बना दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें लॉर्ड लिटन के टाइम में बिकम वेरी फेमस, गेटिंग द पॉइंट। तो आपको कहानी में समझ में आ गया, सूखा पड़ा है, क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दे दिया, टाइटल देने के बाद लोगों ने बदनामी करनी शुरू की न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर बैन कर दिया, ठीक है। जब न्यूज़पेपर बैन किया तो जो ट्राइबल्स पीपल्स थे दे यूजिंग देयर आर्म्स, बोला कि भाई सब जंगल में मत घुसना, मार देंगे गोली, अभी मार देंगे गोली, अभी खत्म कर देंगे। तो लिट्टन ने बोला हमें कैसे खत्म करोगे बेटा, आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट मतलब आज से सब बंद, कोई भी आर्म्स नहीं रख पाएगा। तो ट्राइबल पीपल्स ने बोला कि जो हथियार रखना ये तो हमारा समझ लो जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मेरा बर्थ राइट है हथियार रखना, और तुम कैसे कह सकते हो कि हम हथियार नहीं रख सकते, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द लॉर्ड लिटन ऑन दिस इशू द आर्म्स एक्ट 1878, ठीक है। अब आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है यस। और अमृत बाजार पत्रिका जो थी, शिशिर कुमार घोष, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्नाकुलर याद रखेंगे, देखो यहां पर मेरी बात को सुन लो, वर्नाकुलर मतलब होता है रीजनल, जो बच्चे नए हैं सुन ले, रीजनल बोला जाता है, रीजनल मतलब गुजराती, मराठी, ठीक है पंजाबी, इसमें जो न्यू बंगाली न्यूज़पेपर जो छपते थे, इन न्यूज़पेपर को बैन कर दिया, किसने, लॉर्ड लिटन ने बैन कर दिया था, बोला नहीं तुम नहीं छप सकते। तो शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, बंदे ने रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी और इंग्लिश में छापना शुरू, समझना। वर्नाकुलर का मतलब था रीजनल नहीं छपेंगे, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में नहीं छपेंगे, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर छप सकते। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात कन्वर्ट कर दिया गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर में बांटना शुरू किया गया। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है बताओ, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, टेल मी फास्ट, बहुत गर्मी है भाई, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, फास्ट टेल मी गाइस फास्ट, बंगाल गजट, ठीक है 1780, बट बंगाल गजट वाज आल्सो बैंड इन 1782, ठीक है 1780 में यह आता है, 1782 में ये बैन कर दिया जाता है, ठीक है समझो मेरी बात को। 1857 के बाद एक गैजिंग एक्ट आया था, ये मैं पूरा इतिहास बता दे रहा हूँ, होल हिस्ट्री अबाउट द न्यूज़पेपर, गैजिंग एक्ट आया था, गैजिंग एक्ट ने भी प्रेस के लिबरेशन पे रोक लगाई थी, और उसके बाद फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आ गया था 1878 में, ठीक है। और जेम्स हिक्की के ऊपर भी बैन कर दिया गया था, हिक्की को पब्लिश करने से
उसी टाइम। यस बेटा, तो गैजिंग एक्ट आया था जिसने प्रेस पे बैन किया था 1857 के बाद, क्योंकि कोई 1857 के बारे में लिखे ना, ठीक है। उसके बाद एनदर देखा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, उसके बाद 1910 में एक बार फिर बैन होगा, ठीक है, 1910 में एक बार न्यूज़पेपर फिर बैन होगा, फिर सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में 1932 में फिर बैन होगा, ठीक है, समझ लो। न्यूज़पेपर के ऊपर इतनी बार बैन आया, वो आगे आता जाएगा, मैं पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, ओके, यस यस यस, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्म्स एक्ट हो गया, वर्नाकुलर हो गया, रॉयल टाइटल हो गया, याद रखेंगे यहीं पे रॉयल टाइटल, यहां पे लिखा नहीं है तो आप लोग कम से कम नोट बना लेंगे। फर्स्ट ग्रैंड दरबार इन दिल्ली, ग्रैंड दरबार इन दिल्ली बाई लॉर्ड लिटन, ठीक है। एंड सेकेंड अफगान वॉर ऑल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन। तो भैया अफगानियों से क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम तो ऑलरेडी दोस्त मोहम्मद खान को हटा चुके हो। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त मोहम्मद खान का बेटा है शेर अली खान, जिंदा था, बोला बाप का बदला, दादा का बदला, भाई का बदला, बहन का बदला, सबका बदला लेंगे, शेर अली खान था। शेर अली खान ने बोला दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेंगे, ले लिया बदला। इसने आर्मी इकट्ठा की, आर्मी इकट्ठा करने के बाद इसने अपने आप को प्रिपेयर किया और अटैक कर दिया। ब्रिटिश के खिलाफ ये वॉर हुआ, शेर अली खान फिर डिफीट होते हैं और अफगानिस्तान की मैक्सिमम टेरिटरी को ले लिया जाता है। याद रखेंगे इसमें रसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, इस वजह से भी ये वॉर की पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन, भगवान आ गया, गॉड आ गया, सच में बताऊं तो मतलब परफेक्ट पर्सन, ठीक है, आई एम हैविंग ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है, परफेक्ट पर्सन, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं इस बंदे की, ठीक है, याद रखेंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन जैसे ही आता है सबसे पहले कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाओ, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दो, पहली चीज आते ही कर दी उसने, बैन जो किया था वो। आर्म्स एक्ट में सुधार किए कुछ सब, और बाकी लोगों के लिए जिनके जिनके राइट्स थे उनको दे दिया, बाकी के लिए लाइसेंस कर दिया, रिपील कर दिया 2 साल के लिए, लोग बहुत खुश हुए। मतलब जैसे ही उसने आते ही, ठीक है, समझो, देखे जैसे ही इसने आते ही ये सारी चीजें की, दैट पर्सन बिकम वेरी फेमस, दैट पर्सन बिकम वेरी फेमस, लोगों ने बोला भगवान आ गया, मतलब प्रेस पे बैन हट गया, जो मन वो छापो, प्रेस वालों ने फिर अच्छा अच्छा लिखना शुरू किया, लॉर्ड रिपन फेमस हो गए, लॉर्ड रिपन इतने फेमस हो गए कि बंदे ने इतना अच्छा काम किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जानते हो इसके लिए क्या बोला गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स ने बोला था आई थिंक लॉर्ड रिपन एक्टेड एज द रियल वायसराय ऑफ इंडिया, मतलब वो अपने आप को सच में वायसराय समझ लिया है, और हमने उसको नाटक करने के लिए भेजा है, जितने वायसराय इंडिया गए सब नाटक करने के लिए गए, बट दैट बिकम द रियल वायसराय ऑफ इंडिया, ही अज्यूम हिमसेल्फ रियल वायसराय ऑफ इंडिया, ये इसके लिए बोला गया था। क्यों बोला गया था, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था, रीजन क्या था, रीजन ये था कि इसने इल्बर्ट बिल को पास कराने की कोशिश की थी। इल्बर्ट बिल क्या था, अब तक कोई भी इंडियन जज फॉरेन को ट्रायल नहीं कर सकता है, इसने बोला कि ह्यूमैनिटी कहां है फिर यहां, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी की बात की, उसने बोला कि ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, अब एक फॉरेन पर्सन भी इसको क्या कर सकता है, क्या कर सकता है ट्रायल, मतलब इंडियन पर्सन भी फॉरेन पर्सन को ट्रायल कर सकता है। इल्बर्ट बिल पास होने के लिए गया कहां पे, लंदन। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे, अगर आप बहुत पढ़े हो तो पूछना चाहिए कि सर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बिल क्यों पास हुआ, मैं आपको बता दूं 1861 के बाद में जितने भी बिल पास होंगे सब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होंगे। बिफोर 1861 जो वाइस रॉय था उसका वीटो पावर ज्यादा था, तो यहां पास कर देता था, लेकिन बाद में उसकी पावर को कम कर दिया गया, बोला जो भी बिल पास होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होगा, समझ रहे हो, जो भी बिल पास होगा कहां पे पास होगा, डेट बिल भी पास इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो बहुत है, मतलब इस आदमी ने इतना अच्छा करना चाहा, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला गया, इल्बर्ट बिल को हटा दिया गया, और रिपन ने गुस्से में रिजाइन करके यहां से चला गया था, समझ रहे हो, गुस्से में रिजाइन करके गया, क्योंकि उसने बोला मैं इस दिखावटी सरकार के अंदर में रहकर काम नहीं कर सकता, मैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, ठीक है, इस तरह की बातों को रखा था किसने, लॉर्ड रिपन ने। इसी समय आपको मालूम होगा इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट भी चल रहे थे,
ठीक है, डेट बिकम वेरी फेमस। ठीक है, देखो यहां पे, उसके बाद इसने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी पास किया, बोला 7 से 12 साल के बच्चे वर्क करेंगे केवल 9 घंटे, बाकी लोग 11 घंटे काम करेंगे। 7 साल से छोटे बच्चे वर्क नहीं करेंगे, इन बच्चों को एक हॉलीडे भी मिलेगा, इनको मिड डे मील भी मिलेगा इंटरवल पे, डेली दोपहर में खाना भी दिया जाएगा। मतलब उसके बाद फिर ट्रेड यूनियन भी स्टैब्लिश हुई, इसी के चक्कर में इसने जो ये सुधार किया, इसने जो रिफॉर्म्स किए, ट्रेड यूनियन ऑल्सो स्टैब्लिश, दैट बिकम द मेजर पार्ट। ठीक है, ये इतना अच्छा हुआ, इतना फेमस हुआ, उसके पीछे का रीजन बेटा यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसने और क्या किया, कंटिन्यूएशन ऑफ फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप पूछोगे सर ये फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो बेटा जब क्राउन आया ना तो लोग क्राउन के पास गए, बोला अब हमारे लिए कुछ कर दो, तो क्राउन ने बोला लो हम तुम्हारे लिए कर देते हैं। अब जिस प्रोविंस से जितना पैसा अर्न होगा एज अ टैक्स, वो होल ऑफ द मनी एक्सपेंड फॉर द बेनिफिट, ठीक है, या फिर फॉर द बेटरनेस, ठीक है, ऑफ डीज एरिया। अगर यूपी से इतना कलेक्ट होगा तो यूपी पे खर्च होगा, आपके मध्य प्रदेश से इतना कलेक्ट होगा तो मध्य प्रदेश पे खर्च होगा, महाराष्ट्र से होगा तो महाराष्ट्र पे एक्सपेंस होगा। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इसका कंटिन्यूएशन। ये लेकर आया था मेयो, इंट्रोड्यूस किया था मेयो ने, लेकिन कंटिन्यूएशन में रखा और इफेक्टिवली रखा रिपन ने। लिटन के टाइम में नहीं हुआ था, आपको मालूम है ना कि लिटन में बंगाल सफरिंग फ्रॉम द फेमाइन, मद्रास सफरिंग फ्रॉम द फेमाइन, हैदराबाद फेमाइन, बॉम्बे फेमाइन, एंड लिटन लैविशली एक्सपेंस द मनी। महारानी बिकम कैसे रे हिंद, बोला उड़ा लो महारानी, जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, वो लिट्टन थे, ये रिपन है। ठीक है, ये जहां से कमाएगा वहां खर्च करेगा। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश के लोग बहुत नाराज रहते थे कि या तो रियल आदमी बन गया इंडियंस का। ठीक है, देखो यहां पे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखेंगे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, म्यूनिसिपल लेवल पे सुनते हो नगर पालिका, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी सुनते हो, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे अब इंडियंस अपना पर्सन करके इलेक्ट करके लोकल गवर्नेंस कर सकते थे, ये लेकर आया था लॉर्ड रिपन। कौन लेकर आया था, लॉर्ड रिपन लेकर आया था, क्लियर है, दैट बिकम वेरी फेमस, क्लियर है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमिश्नर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। हंटर कमीशन 2 बार बना था, एक जलियांवाला बाग के बाद में बनेगा और एक यहां पर बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, यस। तो यहां पर बनेगा तो विलियम हंटर ने, देखिए याद रखेंगे, विलियम हंटर ने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट फोकस करेगी, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को पैसा देगा, और मिशनरीज जो एजुकेशन या कॉलेज खोलते हैं उनको बैन कर दिया। किसने, लिट्टन ने बैन कर, मतलब लिट्टन ये रिपन के टाइम में विलियम हंटर ने बैन कर दिया, बोला नहीं। अब समझ रहे हो, वॉइसरॉय अच्छा है तो फंक्शन अच्छा होगा, जब ऊपर का आदमी खराब होगा तो फंक्शन खराब होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, यस। दैट्स वाई द पर्सन इज कॉल्ड फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट फादर बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि इसी ने म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे मजबूत किया था। हंटर कमीशन भी हो गया, आपका समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, डेट बिकम वेरी फेमस। ठीक है, एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी अभी मैंने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट था रेंडिशन ऑफ मैसूर। क्या आप लोग को मालूम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री का, सुना है कभी आप लोगों ने, मैं इसको तो मतलब दिन रात स्टार मार्क करता रहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है मॉडर्न हिस्ट्री का। क्या था ये इंसिडेंस, आप लोग को मैसूर की कहानी मालूम है, मैसूर में वडेयार डायनेस्टी थी, वडेयार डायनेस्टी के डिफैक्टो रूलर है हैदर अली, हैदर अली के बाद में उसका बेटा आया टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को मार दिया 1799 में, फिर से वडेयार डायनेस्टी के माइनर किंग को उठाकर बैठा दिया और उसको थोड़ा सा रीजन दे दिया। रिपन ने बोला कि वहां प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वहां पे लेजिस्लेटिव इलेक्शन कराया गया, फर्स्ट लेजिस्लेशन है इंडिया का मैसूर। ठीक है,
लेजिस्लेटिव वहां पे स्टैब्लिश किया गया, लॉर्ड रिपन ने उसको स्टैब्लिश कराया, कमिश्नर के अंडर में वहां पे इलेक्शंस कराए गए। ये वो पर्सन था, क्यों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी नहीं था मैसूर को, उसने रियलिटी में पावर भी दी थी, वो पर्सन था लॉर्ड रिपन। क्लियर है? क्लियर है? क्रोनोलॉजिकल रिविजन बेटा ठीक है, ठीक करा देंगे बेटा, ये तो अभी अभी ये पूरा चल रहा है, जैसा डिमांड होगा वैसे काम होगा। हमें क्या है, आप बोलोगे हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आप बोलोगे सर ऐसे पढ़ा दो वैसे पढ़ा दो, हम सब तरफ से पढ़ा देंगे। हमारा क्या है, एनालिटिकल पढ़ा दो सर, इनके बारे में पढ़ा दो, ठीक है टेंशन मत लो, सबके बारे में पढ़ाया जाएगा, सबका बदला लिया जाएगा, बाप का दादा का भाई का बदला लिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ने गलत किया था, हम क्रिटिसाइज करेंगे। चलिए, ये डफर था, डफरिन डफर, ठीक है, यस चमराजा वडियार, ठीक है। क्रोनोलॉजी किस सेंस में, एक बार बताओगे बेटा किस सेंस में क्रोनोलॉजी, ये तो ये भी तो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, द थर्ड बर्मीज वॉर 1885 to 86, ठीक है, थर्ड टाइम बर्मा पे इन्होंने अटैक किया, बर्मा की जो डायनेस्टी थी उसको एबॉलिश करके बर्मा को इंडिया में मिला लिया था, इसी टाइम लॉर्ड डफरिन के टाइम में ये इंसिडेंस हुआ था, दैट बिकम वेरी फेमस, ठीक है। सही है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप लोग मुझे बताओगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आखिर कैसे बनी, हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वॉज एस्टैब्लिश कैसे, बताओगे? यस, ऑल एक्ट टुमारो, टुमारो आई विल कंप्लीट ऑल एक्ट्स इन स्टोरी फॉर्मेट, रटा दूंगा, याद करा दूंगा, कभी टेंशन नहीं होगा, गारंटी हमारी है, ठीक है, क्योंकि हम सेल्फ पढ़े हैं, कोचिंग के लिए पैसा नहीं था भाई साहब, ठीक है, सेल्फ पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े, बहुत किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, मतलब समझ लो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की सारी किताबें चार्ट डाले अपन ने, ठीक है, तो यहाँ बैठे हैं आपके सामने पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत मान सम्मान इज्जत आप भी दे रहे हैं तो काम चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस देखो कैसे बना, एक स्टोरी सुन लो, हमेशा के लिए याद रखोगे, ठीक है। मजेदार स्टोरी सुन लो, ठीक है, क्या थी स्टोरी सुन लो, एक बार याद हो जाएगा सारा फैक्ट। रेलवे लाइन आ गई, ठीक है, यस रेलवे लाइन आ गई, दिल्ली पंजाब से बॉम्बे, बॉम्बे से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ता से ये, अभी आदमी अलग अलग भाषा के, अलग अलग बोलचाल के, अलग अलग जगह के लोग, ठीक है, ये सब अलग अलग जगह के लोग थे, अलग अलग टाइम के लोग थे, ठीक है, क्लियर है, आप जरा समझो, ठीक है, थैंक यू बेटा। यहां से ये गए बॉम्बे, बॉम्बे से ये गए मद्रास, अब जब पंजाब वाला पर्सन बॉम्बे जाता है कहता है काय झला बाबू, काय झला, बड़ा पाव खा रहा, काय झला बोल रहा है, अब जब जब महाराष्ट्र का आदमी गया साउथ में बोला इल्ले मिलाए, इडली डोसा चल रहा है, कलकत्ता गया बोला की भालो दादा, ठीक है, तो दादा भालो मिष्टी दोही चल रहा है कहाँ पे, कोलकाता में, ये कोलकाता का आदमी था, ठीक है, समझ रहे हो, अभी कोलकाता वाला पहुंचा पंजाब, अब जब कोलकाता वाला पंजाब पहुंचा तो पंजाब वाला क्या कहता है, कहता है की हाल है सर जी, पंजाबी बोल रहा है, भाषा अलग, खान पीन अलग, लोग अलग, फिर भी यूनिटी है, फिर भी यूनिटी है, ठीक है, फिर भी यूनिटी है, क्यों ये यूनिटी हो गई, क्योंकि जब सब जगह लोग पहुंचे तो सबके आंख में आंसू थे, सबके आंख में इमोशन थे, वो इमोशन कहता था कि वी आर द पीपल्स हु एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वी ऑल आर, गेट यूनाइटेड, तुम किसी को एक्सप्लॉइट करो, पीपल्स गेट यूनाइटेड, समझ रहे हो, इफ यू एक्सप्लॉइट समवन, ठीक है, पीपल्स गेट यूनाइटेड, और व्हेन पीपल्स गेट यूनाइटेड दे स्टार्टेड रिवोल्ट। इंग्लैंड फोन गया, अरे रोको रोको, ये तो बहुत गुस्सा कर रहे, कहीं दोबारा से 1857 से बड़ा कुछ ना हो जाए। लोगों ने एओ ह्यूम सिविल सर्वेंट थे जिनको इंडिया का बहुत नॉलेज था, इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, वो रिटायर होके पहुंचे, इंग्लैंड वालों ने उनको धक्का मार के फिर भगा दिया, बोला चल निकल, तो निकल इधर से निकल, और जाके पता करके आया कि ये आखिर ये दोबारा फिर से क्यों ये रिवोल्ट हो रहा है, अभी तो एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, अब क्यों हो रहा है, ठीक है, ये फिर से क्यों हो रहा है, तो ये आया यहां पे, पता किया, फिर इंग्लैंड गया, इंग्लैंड जाके क्या कहता है, सर एक मैंने नॉलेज ली है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं
तो ये फिर से एक माहौल बन रहा है और ये पूरे इंडिया लेवल पे बन रहा है। 1857 तो कुछ कुछ जगह पे था, ये तो ओवर इंडिया कवर कर रहा है। अगर ये फूटा तो हम तो भाग, हम तो हमारा हमारा रूल एंड हो जाएगा, द एंड समझ लो, ये समझ लो हम सुसाइड वाला काम कर रहे हैं अगर हमने इनको नहीं रोका तो। तो फिर वो एहूम को बोला गया जाओ देखो भाई समझाओ तो कि ऐसा ना करे। तो एहूम ने बोला कि भाई साहब इनके लिए एक सरकार बना दो, ये अपने आप बैठ जाएंगे। तो लोगों ने बोला अच्छा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? कुकर के ढक्कन के नीचे होल रहता है, गैस आया तो कुकर फटे ना तो वो निकल जाएगा, वॉल्व जो रहता है वो निकल जाएगा, ठीक है। फुटबॉल में भी एक वॉल्व होता है, हवा भरो ज्यादा भर के वॉल्व निकल जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस बना के सारा गुस्सा निकल गया, पूरे इंडिया के लोग मिलकर एक पार्टी मिल गई, इंडिया के लोग शांत बैठ गए, बोले वाह ये जीत हो गई। अरे कुछ नहीं जीत हुई, जब तक सलमान खान नहीं आएगा ना, वो आदमी जो सिक्स पैक एट पैक्स अनलिमिटेड पैक्स गांधी जब तक नहीं आएगा ना, तब तक इस कांग्रेस का कोई वजूद नहीं होगा। कांग्रेस का वजूद तभी होगा जब कांग्रेस को उसका सलमान खान मिलेगा, एंड सलमान खान विल केम इंडिया इन 1915, ठीक है। आएगा करण अर्जुन आएंगे, ठीक है, देखो अभी आगे आएंगे, नेक्स्ट देखते। फिर आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, रिपन में एक चीज और लिख नोट कर लेना, रिपन में जो मैं भूल गया, देखो तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस, पहला सक्सेसफुल सेंसस देने वाला यही आदमी था, और इसी ने बोला था कि अब हर 10 ईयर्स पे सेंसस होगा। जो लास्ट सेंसस इंडिया में 2011 में हुआ था, अब नेक्स्ट 2021 में होगा, ठीक है। तो लास्ट सेंसस इंडिया में 2011 में एवरी 10 ईयर पे जो सेंसस कंडक्ट होता है, ये सिस्टम बनाने वाले रिपन ही है, ये भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यस नेक्स्ट देखो, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, हिज टाइम पीरियड फ्रॉम 1888 टू 1894, ठीक है, हाँ बिल्कुल याद रहेगा बेटा, याद तुम रटा देंगे भाई साहब, रटा देंगे। क्या होता है ना यार, कभी कभी ना बच्चे क्या डिस्टर्ब कर देते यूट्यूब पे, ठीक है, वरना फिर रटाना तो क्या है यार, इतिहास पढ़ाते रट जाओ, खुद किताब लिखी है मैंने, इस पे ऐसे थोड़ी ना लिख दी है। अब मेरी बुक जिनके पास होगी उनसे पूछो, आप सब कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है, हर कुछ रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस बार एग्जाम दे के आओ, मेरे लेक्चर देख लेना, वीडियो बनाऊंगा अगले दिन 4 अक्टूबर को, भगवान का आशीर्वाद है, अल्लाह का आशीर्वाद है, ठीक है, कि भैया कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिविल सर्विस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने ना पढ़ाया हो। इस बार भी भगवान साथ देगा तो भैया सारे क्वेश्चन हम फंसाएंगे इस बार के मॉडल में, ठीक है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, क्लियर है, क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो फैक्ट्री एक्ट 1891, ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट 1891 यहाँ पर आया, ठीक है, और 1891 में जो फैक्ट्री एक्ट आया वो भी बहुत फेमस हुआ उस समय, क्यों फेमस हुआ था, ठीक है, समझो, इसमें बोला गया था, एक चीज याद रखेंगे, इसके पहले वाले फैक्ट्री एक्ट में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं था, लेकिन इस फैक्ट्री एक्ट में एक चीज का डिस्कशन हुआ था, किसका मालूम है, डेट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन्स के बारे में बात की गई थी, वुमेन्स को लेकर राइट, 11 आवर्स का वर्क, ठीक है, याद रखेंगे 11 आवर्स का वर्क होगा, क्लियर है, पहला। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, क्या दूसरा इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है यहां पे, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1891 में दूसरा ये इंपॉर्टेंस रखता है यहां पे कि वुमेन्स को न्यूट्रिशन के लिए अलग अरेंजमेंट, दोपहर में 1.5 घंटे की छुट्टी, ठीक है, मंथ में छुट्टी, ये सब भी यहां पे बेनिफिट दिया गया था, उनके जो बच्चे उनके खाने के लिए भी यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, दैट बिकम अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू माइट हैव टू नो, ठीक है। नेक्स्ट, कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, पहले जो सिविल सर्विस था वो एक ही होता था, इंपीरियल सिविल सर्विस जिसको आप ICS बोलते थे, इन्होंने क्या किया, डिवीजन कर दिया, ठीक है, इन्होंने बोला इंपीरियल, प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट। हुआ क्या, एक्चुअली स्टोरी ये थी, क्राउन इंडिया आया तो हमारे लोग गए, हमारे लोग क्राउन से हाथ जोड़ के बोलते हैं, कहते महारानी आप एक काम करो ना, आप कुछ ऐसा कर दो कि हम भी सिविल सर्वेंट बन पाए। तो महारानी ने बोला अरे इतनी छोटी सी बात, लो जाओ कर दिया, खुश रहो। तो महारानी बोला अच्छा यार बहुत बढ़िया बात है, इन्होंने खुशी की बात बोली, तो महारानी बोली तो चले आए लोग। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे मेजर इंसिडेंट देखो क्या हुआ,
ये जब आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंसिडेंट एक हुआ, डेट बिकम वेरी फेमस इंसिडेंट, ठीक है। जब इनको महारानी ने परमिशन दे दिया तो ये लोग आए, तो महारानी ने परमिशन दी लेकिन वायसराय ने तीन कंडीशन दे दी, बोला यस आप आईसीएस का एग्जाम अब इंडियंस भी दे सकते हैं। तीन कंडीशन है, आपको लैटिन लैंग्वेज में एग्जाम होगा उसको मालूम होना चाहिए, सेकंड जो एज है वो 19 इयर्स कर दी गई थी, ठीक है। थर्ड और क्या बोला गया, थर्ड बोला गया कि आपको राइफल शूटिंग, ठीक है, और हॉर्स राइडिंग आना चाहिए, कंपलसरी है। और फोर्थ एग्जाम सेंटर लंदन में होगा। अब आईएएस का ड्रीम कौन देखता है, 90% पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास लोअर क्लास, उस समय भी आज भी। अब जो आदमी ड्रीम देख रहा है आईएएस का, मेहनत करने की सोच रहा है, लंदन जाके एग्जाम देना है ठीक है आईसीएस का, लैटिन लैंग्वेज आनी चाहिए, 19 साल की एज में, मैक्सिमम एज 19 ईयर थी, 19 ईयर मैक्सिमम एज, वो तो रिपन ने बाद में बढ़ाई थी, ठीक है। रिपन ने बाद में 21 साल कर दी, पहले तो 19 साल थी। 19 साल की एज में लैटिन लैंग्वेज जानो, हॉर्स राइडिंग जानो, राइफल शूटिंग जानो, ठीक है, क्लियर है। और पेपर देने लंदन जाओ, कब आदमी मार डाले किसी को पता ही नहीं है। फिर भी इंडियंस एक्सेप्टेड चैलेंज। मुझे कमेंट में जल्दी बताओ वो फर्स्ट पर्सन कौन थे जिसने आईसीएस को एग्जाम को मतलब दिया था पहला अटेम्प्ट, और जो सबसे पहले बना था वो कौन कौन थे। द फर्स्ट पर्सन हु क्रैक द एग्जाम, ठीक है, और जो फर्स्ट पर्सन जो बना था, इन दोनों के बीच में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको मुझे बताना। अब देखो जो लैंस डाउन है, इनके नाम पे नैनीताल के पास में एक शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, कभी जाइए उत्तराखंड तो घूम के आइए, ठीक है। तो याद देखेंगे इन्हीं के टाइम में इंपीरियल और प्रोविजनल और सबॉर्डिनेट अलग करके इंडियंस जो बहुत ज्यादा सेलेक्ट होने लगे थे ना, उनको सबॉर्डिनेट और प्रोविजनल में इंटर करने लगे ये लोग, ये इनकी चाल थी, इसी समय किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। नहीं नहीं भैया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहले पेपर दिया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले एग्जाम निकाला था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द एग्जाम, ठीक है, अपेयर इन द एग्जाम। और सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्रैक द सिविल सर्विस इन 1863, जो सबसे पहला अटेम्प्ट उनका क्रैक हुआ था, क्लियर है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसको जानते हो क्या बोला जाता है, अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स। ये मॉडरेट्स का अचीवमेंट था, ये कल की क्लास में देखेंगे, टुमारो क्लास ऑल एक्ट गोइंग टू कवर, ठीक है, उन पर यहां टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेटिंग अप डूरंड कमीशन 1893 में, डूरंड कमीशन आया, समझो जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री लाती है ना, डूरंड कमीशन है। आज वो बाउंड्री किनके बीच में, इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसका कुछ हिस्सा टच करता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया को, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया को उसका कुछ हिस्सा टच करता है डूरंड लाइन का। टू लैंस डाउन वॉज द वाइसरॉय, जब डूरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, एक ही काम हुआ, क्या, दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को चापेकर ब्रदर्स ने खोपचे में ले जाके ठोक डाला, ठीक है, यहां पे 1894 से 1899 के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे 1897 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, यस यस डूरंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड कर्जन, लो आ गए, इस आदमी को इंडिया क्यों भेजा था, ये आदमी तो वहां बहुत बड़ी पोजिशन पे था। आखिर जब सिचुएशन बहुत वर्स हो रही थी, मॉडरेट अपनी डिमांड उठा रहे थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट राइज कर गए थे, एक्सट्रीमिस्ट राइज होने लगे थे, लाल बाल पाल आ गए थे पिक्चर में, लाल बाल पाल, जैसे आज कंगना रनौत आजकल चल रही हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट बन के, ठीक है, तो ऐसे लाल बाल पाल पिक्चर में आ गए थे। अब ब्रिटिश को प्रॉब्लम होने लगी, ब्रिटिश को लगा कोई ऐसा पर्सन भेजना चाहिए जो आगे आने वाली वर्स सिचुएशन को रोक सके। और बंगाल में नेशनलिज्म की फीलिंग राइज कर गई थी, नेशनलिज्म मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बोला मिल के ठोकेंगे भाई साहब, मिल के ठोकेंगे, ठीक है, दोनों भाई भाई, बोला मिल के ठोकेंगे, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म राइज कर गया बंगाल में, यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, इंडिया में वर्स सिचुएशन, एक्सट्रीमिस्ट राइज कर रहा है, वंदे मातरम गाना आ गया, भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पिक्चर गली गली में, लोग पिक्चर देखते तो रो देते, आंखों में आंसू आ जाते, वंदे मातरम गली गली में गाना बजने लगा, माँ तुझे सलाम, भारत माँ बस तेरे लिए,
राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना सब ओतप्रोत हो गए। बोला अब तो ब्रिटिश को मारेंगे, जहां देखा खोपचे में लेकर तीन हाथ धर दिया। किसने? एक्सट्रीमिस्ट ने। ब्रिटिश को प्रॉब्लम होने लगी। ब्रिटिश ने बोला कोई ऐसा बंदा भेजो भाई साहब जो इनको सही कर सके। तो बोला एक ऐसा आदमी है जिसको एशिया के बारे में बहुत नॉलेज है। और सच में बताऊं तो लॉर्ड कर्जन ने एशिया पे रिसर्च किया था। तुरंत बुलाया गया लॉर्ड कर्जन को, बोला गया नाउ यू आर वाइसराय ऑफ इंडिया, चलो जाओ भाई सब निकल लो तो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। 1899 में ही आया, इसने एशिया पे जितना रिसर्च किया था सब लगा दिया। इसको एक चीज मालूम था, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इसको एक चीज मालूम था एशिया के बारे में। ये दो चीज बहुत चलती है, इस्लाम में, मुसलमानों में। कास्ट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, लेकिन जब मुसलमान भारत आए तो हमने बोला अरे कैसे, तुम ऐसे ही रह जाओगे क्या, हम कास्ट सिस्टम में है, तुम ऐसे रह जाओगे, ऐसे नहीं चलेगा। चलो तुम्हारे यहां भी सैयद अलग हो गए, ठीक है सैयद अलग हो गए। देखिए दूसरे वालों को अलग कर दिया, अहमदी को अलग कर दिया, ठीक है तो इनको अलग अलग उठाकर बना दिया। बोले तुम कैसे छूट जाओगे, कास्ट सिस्टम हमारे यहां तो मतलब भारत की धरती में, तुम कैसे बच जाओगे। उठाया, कन्वर्ट कर दिया, इस्लाम भी कास्ट सिस्टम में इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया में इस्लाम कास्ट सिस्टम में। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, जैसे ही आदमी आया, इसको नॉलेज पूरा था यहां के बारे में, तुरंत आते इसने पुलिस कमीशन इस्टैब्लिश किया, ठीक है याद रखेंगे, पुलिस कमीशन इस्टैब्लिश किया। और इसने एक चीज बोल दी कि अब मैं आगे जो करने वाला हूं उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छी पुलिस सिस्टम चाहिए, तो पुलिस रिफॉर्म किया सबसे पहले। एंड्रयू फ्रेजर को कमेटी बनाई, ठीक है जिसको फ्रेजर कमेटी भी कहते हैं, कि जाओ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रिव्यू करो, क्योंकि इसको मालूम था कि आगे पार्टीशन करने वाला था, पार्टीशन होगा तो रायट्स होंगे, बंगाल के लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो पुलिस सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई इसने पुलिस सिस्टम को क्या किया, किया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और क्या हुआ, ठीक है और क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, 1909 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया, ठीक है। नहीं उत्कर्ष शायद आपको नहीं मालूम हो, अभी इसमें कोई बच्चा है इस्लाम से रिलेटेड, दो मिनट के अंदर बता देगा। हमारे यहाँ पे सैयद है, अशरफ है, अशरफ सबसे उच्च मानी जाती है, साउथ इंडिया में अशरफ का डोमिनेंस है, ठीक है। सिया सुन्नी तो सेक्ट है बेटा, कास्ट अलग अलग है, यही तो कास्ट को सेक्ट में डिफरेंस है बेटा, कास्ट और सेक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। अब समझो इस्लाम मिडाइवल हिस्ट्री पे रिसर्च है अपना भाई साहब, रिसर्च है, ठीक है मिडाइवल हिस्ट्री पे काट नहीं सकते, अरबी में पढ़ा दूंगा पूरा मध्यकाल, छोड़ो बाकी तो बात छोड़ो, ठीक है। देखो यहाँ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है तो याद रखेंगे कॉमर्स और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट इसी के टाइम में आया था, और एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी इसी के टाइम में आया था। ये सभी इसके टाइम में बहुत फेमस एक्ट है, जो बस आपको फैक्ट याद करने हैं। अब आती है मेन बात, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो नई बात आती है 1905 में, यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। रिलीजन इज माय टॉपिक इन कल्चर, ठीक है वहां पे मैं इस्लाम बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, देखना कभी अटेंड करना कल्चर का पॉइंट, तो वहां पे आपको पता चलेगा कितनी कास्ट होती है, ठीक है। वो देखो बेटा वो अदर है, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, पहले ये पार्टीशन डिस्कस कर लूँ। चलो मैं बता देता हूँ, देखो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अबू बकर के फॉलोअर कहलाए सुन्नी, और मोहम्मद अली के फॉलोअर कहलाए सिया। सुन्नी मतलब जो सुन सुनकर आगे बढ़े, जैसे बौद्ध धर्म में विनय पिटक है ना, विनय पिटक, सूत्र पिटक, तो उसमें जो सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक मतलब जो सुन सुनकर कहावत में लिखी गई है और लोगों ने उसी को फॉलो किया है, ऐसे ही अबू बकर के फॉलोअर सुन्नी कहलाए और अली, मोहम्मद अली के फॉलोअर सिया कहलाए, क्योंकि ये थोड़े लिबरल थे, ठीक है लिबरल थे, तो इनके फॉलोअर सिया कहला, ये नंबर में कम थे, ठीक है। तो दीज आर द सेक्ट, ये सेक्शन है, और जब ये सेक्शन इंडिया में आया तो सुनो लखनऊ,
और हैदराबाद, इन दोनों जगह पे सिया सबसे ज्यादा रहते हैं जो 3% है, और इनको इंडिया में ईरानियन कहा जाता है। 97% जो है वो सुन्नी है इंडिया में, ठीक है। अब ये आपको मालूम हो जाए पूरे 100% में 97% सुन्नी है, 3% केवल सिया जो हैदराबाद है और लखनऊ में रहते हैं, जिनको ईरानी के नाम से जाना जाता है, उनको प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन जो ये सुन्नी है, सुन्नी में जो सबसे उच्च है वो अशरफ है, आप में से इस्लाम का कोई होगा तो बताएगा, अशरफ है, फिर सैयद है, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग डिवीजन है। क्या आपको नहीं मालूम इसमें भी जनरल होता है इस्लाम में, ओबीसी होता है कैटेगरी, ये कैटेगरी नहीं मालूम क्या आपको, एससी एसटी भी होता है, ठीक है। ये तो खैर अलग चीज है कैटेगरी, लेकिन फिर समझ लो यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन है, और अशरफ सबसे उच्च माने जाते हैं, ठीक है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी कास्ट सिस्टम इंडिया में, आप बताओ, रेड्डी साउथ के रेड्डी बहुत फेमस है, साउथ के रेड्डी सबसे हाई क्लास कैथोलिक क्रिश्चियन माने जाते हैं, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम में इंडिया से बड़ा जाल तो दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। दैट इज अ मेजर इंसिडेंट दैट यू माइट हैव टू नो, ठीक है। देखो बंगाल का पार्टीशन हुआ, अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बंगाल के पार्टीशन को लेकर लॉर्ड कर्जन ने कब बोला, तो 1903 में बोला था, ठीक है। 1903 में जब बोला तो इसको रोकने के लिए मॉडरेट ने पूरी ताकत लगा दी, ठीक है। यस, देखो देखो नुजत पठान ने देखो बोल दिया है, सैयद पठान शेख, ठीक है, हाँ वो ईरान फुली सिया डोमिनेट है, तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा उत्कर्ष, ठीक है। 1903 इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बेटा बैठा हूँ तो ऐसे थोड़ी ना हल्के फुल्के में लेके चल रहे भाई साहब। 1905 में क्या हुआ, द फेमस थिंग दैट वॉज हैपेंड इन 1905 में सबसे मेजर इंसिडेंट ये हुआ कि पार्टीशन कर दिया गया। जब पार्टीशन किया गया तो रीजन क्या दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज नहीं हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये रीजन दिया गया। तो सेकंड पॉइंट यहां पे क्या बोला, और रियल एजेंडा क्या था, रियल एजेंडा ये था कि सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग को सप्रेस करना चाहते थे, क्लियर है, नेशनलिज्म की फीलिंग को सप्रेस करना चाहते थे, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर है, गेटिंग द पॉइंट, ये रियल एजेंडा था। इनने क्या बोला, बंगाल रीजन बहुत बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड भी कैसे किया, 1,35,00,000 की पॉपुलेशन थी, ठीक है, 1,35,00,000 में 86,00,000 नियर अबाउट जो थे वो थे आपके हिंदू, और करीब 45-51,00,000 जो थे वो मुसलमान थे। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को ऐसे पार्टीशन किया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी मेजर अलग चली गई और हिंदू कम्युनिटी अलग चली गई। अब यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या बंगाली पीपल ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में आएंगे कि वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में आएंगे, बताओ। बंगाली स्पीकिंग पीपल्स, बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में आएंगे कि वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में आएंगे, ये आपको बताना है। ईस्ट में आएंगे मेजॉरिटी में कि वेस्ट में आएंगे, क्लियर है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आता है यहां से, तो इसका बता देना, तो फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, कर्जन किसनेर कंट्रोवर्सी बहुत फेमस इस टाइम की, ये कंट्रोवर्सी बहुत फेमस है बेटा। ये इस कंट्रोवर्सी में हुआ क्या था, एक सेकंड बस बता देता हूं। हाँ जी, देखो ईस्ट बंगाल, चलो मैं आंसर देता हूं, कहीं नहीं रह गए थे, ठीक है। इसने बंगाली पीपल्स को ऐसा बांटा था कि बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी दोनों जगह माइनॉरिटी में बट गई, यहां हिंदू मेजर आ गए, यहां मुस्लिम मेजर हो गए, और बंगाली दोनों जगह पे जो बंगाली थे वो दोनों जगह पे माइनॉरिटी में आ गए थे। ये यूपीएससी भाई साहब फंसाता है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ेगा, फंसाता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कर्जन किश्नेर कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी क्या थी मालूम है आपको, ये कंट्रोवर्सी बेटा ये थी, ये आदमी पुलिस रिफॉर्म करना चाहता था, मिलिट्री रिफॉर्म, और ये मिलिट्री को मॉडर्न लेवल पे स्टेब्लिश करना चाहता था। कर्जन ये चाहते नहीं थे, कर्जन ने किश्नेर को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया,
इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन भी चले। लास्ट में क्या हुआ कि कर्जन ने किचनर को हटा नहीं पाया, क्योंकि किचनर जो थे उनको लंदन के लोग, उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। समझ लो अगर ट्यूटर होता तो सबसे ज्यादा फॉलोइंग किचनर की होती, इनके फॉलोअर ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने लंदन को कई वॉर में जिताया था, इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को। तो कर्जन को लास्ट में रिजाइन करके जाना पड़ा। आपको मालूम है, आप हमेशा सोचते हो कि सर इतना बड़ा इंसिडेंट करने के बाद ये कैसे चला गया 1905 में, गया नहीं भाई सभी, रिजाइन करके गया। इसको बुलाया नहीं गया था, इसको रिजाइन कराया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है? हाँ ठीक है, डेट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यंग हस्बैंड मिशन ऑन तिब्बत 1904। ठीक है, 1904 में यंग हस्बैंड मिशन, तिब्बत में एक एक्सपेडिशन हुआ था, आर्मी भेजी गई थी लड़ने के लिए, उसी को हम बोलते यंग हस्बैंड मिशन। ठीक है, याद रखेंगे, कमांडर, मिलिट्री कमांडर, ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया अपने लॉर्ड मिंटो साहब, 1905 से 1910 तक पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने एंटी पार्टीशन और स्वदेशी इनके टाइम में हुआ था, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, इसी को एंटी पार्टीशन और स्वदेशी बोलते हैं, बाकी मैराथन में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट, सूरत में कांग्रेस दो डिवीजन में बढ़ गई, मॉडरेट अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। रीजन आप सभी को मालूम है कि एक्सट्रीमिस्ट चाहता था कि हम स्वदेशी को, ठीक है, हम स्वदेशी को आउटसाइड दी बंगाल स्प्रेड करें। मॉडरेट कहते थे गलत जहां हुआ है ना, तो स्वदेशी को वहीं रहो ना, स्वदेशी को क्यों लिमिटेड करो, क्यों आउटसाइड बंगाल ले जाओगे। ठीक है, ये बोला गया वहां पे। बेटा अभी मिंटो पे है, 1947 तक चलना है। ठीक है, खैर बहुत कुछ करा दिया है तो शॉर्ट में ही चलेगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। क्या होगा बेटा, खाना ना बनाना है क्या घर पे? ठीक है, तो बनाओ बनाओ, हम भी आ रहे खाने भाई साहब। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। 1907 सूरत, देखो यार कम टाइम में खुल के पढ़ा नहीं पाते यार, समझो स्टोरी फॉर्मेट में। ठीक है, देखो यहाँ पे 1907 में सूरत में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट इस इशू पे अलग हो गए थे, प्रेसिडेंटियलशिप का भी इशू था, और जब ये अलग हो गए फिर 8 साल के लिए एक्सट्रीमिस्ट को बैन कर दिया था कांग्रेस ने। ठीक है, 8 साल के लिए इसको बैन कर दिया था, क्लियर है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान। ठीक है, तो याद रखेंगे सलीमुल्ला खान, आगा खान, ठीक है, और मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, इन तीन लोगों ने मिलकर मिंटो से शिमला में बात करके और अलग से एक पार्टी बना दी मुस्लिम लीग। अब तक पूरे इंडिया में एक ही पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब इन्होंने अलग करके बना दी मुस्लिम लीग। ठीक है, और मुस्लिम लीग पार्टी बिकम वेरी फेमस एट दैट टाइम। ठीक है, लेकिन चुनाव हार जाते थे, जीत पाते नहीं थे, तो फिर जो वाइसराय थे उन्होंने क्या किया, बोला अरे टेंशन क्यों लेते हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लॉर्ड मिंटो ने बोला लो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम। बोला मुस्लिम जो होंगे वो अलग एक अपना इलेक्ट करेंगे पर्सन। ठीक है, याद रखना, थैंक यू सो मच अवंतिका, थैंक यू सो मच। ठीक है, मुस्लिम इलेक्ट मतलब अपना पर्सन अलग इलेक्ट करेंगे मुस्लिम्स। ठीक है, याद रखेंगे, और जब अगर किसी जगह का कैंडिडेट मुस्लिम है तो ओनली मुस्लिम कम्युनिटी हैविंग राइट टू वोट, किसी और को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे था ये। ठीक है, तो ये मिंटो, लॉर्ड मॉले मिंटो रिफॉर्म के नेम से फेमस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी। अब मेरी बात को समझना, अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आ जाता है, समझो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था भाई साहब, ध्यान से पढ़ लो, दो मिनट के लिए देख लो। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, आपके भले के लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आप तो देख लो। बंगाल प्रेसिडेंसी जो था, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सी प्रेसिडेंसी बनी, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेसिडेंसी बताओ। गौरव अग्रवाल से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी इंटरव्यू में, तो प्रेसिडेंसी में पहला प्रेसिडेंसी इन्होंने क्या बोला मालूम है? ठीक है, पहला प्रेसिडेंसी बोला इन्होंने कि मतलब उन्होंने तो आंसर सही दिया था, लेकिन समझो आप लोग किससे फंस जाओगे, आप लोग सोचोगे यार बंगाल में तो सब कुछ था, बंगाल इनका पहला होगा, दूसरा मद्रास होगा, और तीसरा मराठाओं को हरा दिया था तो बॉम्बे होगा। नहीं, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी बनी, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी, और सबसे लास्ट में 1911 में बनी थी बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है?
और बॉम्बे और मद्रास पहले बन गई थी, मद्रास बन गई थी 1800 के टाइम में और बॉम्बे भी करीब बन गई थी 1822 के टाइम में, ठीक है। इन दोनों को बना दिया गया था, क्लियर है, याद रखेंगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो आखिर भाई साहब ये कलकत्ता से दिल्ली क्यों जाने लगे, आखिर इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली जाने की विचार क्यों किया, इनने कैपिटल क्यों ट्रांसफर किया था मालूम है। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल अलग अलग, इनने फूट भी डाली, मुस्लिम लीग पार्टी भी बना दी, फिर भी लोग एक रहे, ठीक है। आपको एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, आपसे पूछना भी चाहूंगा कि जब बांग्लादेश वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान बन गया था तो बांग्लादेश आजाद होने की मांग क्यों कर रहा था, तो याद रखेंगे। आप रिलीजन लेवल पे लोगों को तोड़ सकते हो, कल्चर लेवल पे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सिंधी कल्चर जो था, ठीक है, उसको फोर्सफुली प्रेशर मतलब फोर्सफुली रखा जा रहा था बंगाली कल्चर के ऊपर। बंगाली पीपल ने बोला कि हम पाकिस्तान बन तो गए पार्टीशन के बाद में, ठीक है, लेकिन तुम अपना कल्चर थोपोगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप ही बताओ ना, आपके रिलीजन सब कुछ, लेकिन आपके कल्चर मतलब आपका रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, इस पर कोई रोक लगा दे तो आप तो चिढ़ जाओगे ना, निकालोगे बंदूक, मारोगे, मारेंगे गोली, अभी खत्म हो जाओगे, ये हालात हो जाएंगे, तुम ऐसा बोलोगे, क्यों बोलोगे, क्योंकि रीजन यही है। तो कल्चर के ऊपर, जो कल्चर अलग था लेकिन बंगाली पीपल्स का कल्चर एक था, कितना भी अलग करो लोग एक होने लगे। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों जगह पे अंग्रेजों को खोपचे में पकड़ के ठोकना शुरू हुआ, बोला ले चलो इसको तुम दो, तो इसको चार हाथ दो, तो इधर चार हाथ उधर चार हाथ देना शुरू, धड़ाम धड़ाम, ठीक है, धड़ाम धड़ाम देना शुरू अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बोला यार तो बहुत परेशान किए, जब देखो तब मार रहे हैं। इसी समय ब्रिटेन के किंग आए थे जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, ब्रिटेन किंग जॉर्ज फिफ्थ केम इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। और जब जॉर्ज फिफ्थ आया तो इन लोगों ने जॉर्ज फिफ्थ से बोला आप आए हो यही बहाना, निकल चलो इधर से दिल्ली। तो जॉर्ज फिफ्थ ने बोला अब मैं बंगाल का पार्टीशन रेटिफाई करता हूं, खत्म करता हूं, अब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों एक हो जाएगा पहले की तरीके से, और कलकत्ता से अब कैपिटल हो जाएगी दिल्ली। लोगों ने यहां भी नहीं छोड़ा, वहां भी दौड़ा के मारा था, मालूम है ना, बम फेंक दिया था चांदनी चौक पे जब निकल रहा था रैली, ठीक है। लोग कहां मानने वाले, भारत के लोग कहां तक भागोगे, उधम सिंह को जाकर लंदन में गोली मार आए, समझ रहे हो, शेर सिंह राणा चले गए, पृथ्वीराज चौहान की कब्र खोद आए अफगानिस्तान, तालिबान में घुस के खोद आए। इंडियंस है, पंगा मत लेना भाई साहब, कहीं भी जाएंगे कहीं भी घुस जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। ये भी एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट है जो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन्हीं के टाइम में हिंदू महासभा वेरी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश बाय द मदन मोहन मालवीय, इन्हीं के टाइम में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा को एस्टैब्लिश किया था, डेट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जॉर्ज फिफ्थ आया था, ये तो मैंने आपको बताया था। और एक चीज फैक्ट बता दूं, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, जॉर्ज फिफ्थ सबसे पहले जो आए थे वो बॉम्बे में आए थे, ठीक है, और इसीलिए बेटा बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया इन्हीं के वेलकम के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ट इन 1911, ठीक है, फॉर वेलकम द किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, यस, महामना लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-1921, ये क्यों फेमस हो गया, ये भाई साहब दिल से आदमी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन इसका जो ऊपर का हेड था ना वो बहुत खराब था। SOSI, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्राउन के आने के बाद से जो इंडिया का डेमोक्रेटिक हेड था वो SOSI था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो हेड पोजीशन पे था, ये नीचे था। अब यहां पे देखो क्या शुरू हुआ, समझो, देखो इस टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएगा, बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे, और अभी मैं बुक दे दूंगा अभी दो और इनसे पढ़ लेना, इस बार 4 तारीख को हंगामा मचाना भाई साहब, चाहे जो हो जाए, ठीक है, हम ही सिंघम, पेपर में ऐसा होना चाहिए। देखो इधर, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग का फॉर्मेशन हुआ, एनी बेसेंट और तिलक ने फॉर्म किया था, ठीक है। तो एनी बेसेंट और तिलक, अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन जाता, सबसे पहले तो ये सुनो, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब थे वाइसराय तब ये आया लीग, सेकंड यहां से क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है मालूम है, कि सबसे पहले किनकी लीग बनी, तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी आयरलैंड से, क्योंकि एक आयरिश महिला थी,
आयरिश वुमेन थी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लेकर आई थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिया में ज्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन लीक सबसे पहले बनाने वाले तिलक थे, अप्रैल 1916 में। जो तिलक का लीक था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेरार में फेमस था। एनी बेसेंट का जो लीक था, ठीक है, डेट बिकम वेरी फेमस इन सम रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स में फेमस हुए थे, सॉरी इन ऑल ओवर द रीजन, मतलब ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इन सभी जगहों पे, वेस्ट टू ईस्ट, इन सभी जगहों पे ये बहुत फेमस हुआ था, एनी बेसेंट का लीक, ठीक है, पूरे इंडिया में फैला हुआ था। क्लियर है, याद रखेंगे। तिलक को एक कोर्ट केस लड़ने के लिए लंदन जाना पड़ा, तो इनका लीक फेल हो गया। और एनी बेसेंट से चेम्सफोर्ड ने बोला कि मान जाओ डेबी, मान जाओ, हाथ जोड़ रहे, मान जाओ यार, सब तुम्हारी मांग कर लेंगे, तुम बस बस तुम लीक खत्म कर दो। एनी बेसेंट एक दिन रात को सोई, रातों रात उनका मन बदल गया, बोला यार सही कह रहा चेम्सफोर्ड, सही कह रहा है, मान लेते हैं। तो चेम्सफोर्ड की बात मान ली गई, एनी बेसेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, और एनी बेसेंट ने रातों रात उनका हृदय परिवर्तन हो गया, दिल बदल गया, ठीक है। और दिल बदला, लॉर्ड चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड के प्यार में फंस गई, इन्होंने बंद कर दिया लीग। चेम्सफोर्ड ने 1919 में बेवफाई कर दी। बेवफाई कैसे, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, ठीक है, उस रिफॉर्म में बेवफाई हो गई एनी बेसेंट के साथ। जो जो वादा किया गया था कुछ पूरा नहीं हुआ। गांधी भी इसी टाइम आ गए थे, गांधी लोगों के पास जा रहे थे, बोले अपने बच्चे को भेज दो इंग्लैंड लड़ने के लिए, तुम अगर तुम्हारा बच्चा लड़ेगा इंग्लैंड जीत जाएगा तो ये हमको ना कम से कम कुछ तो रिलैक्सेशन देंगे। पता चला उल्टा और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, महंगाई और बढ़ गई, सब पागल हो रखे थे इंडिया के लीडर्स, मतलब घूम रहे थे, बोल रहे थे ऐसे कि कब पटक के मारे इनको ब्रिटिश को, सब पागल हो गए थे इंडिया के लीडर्स। अब यहीं से इंडिया के लीडर्स ने स्टार्ट किया अपने आप को यूनाइट करना, गांधी ने मूवमेंट लॉन्च करना शुरू किया। अगर ये इंसिडेंट नहीं होते सब, तो हमें नहीं लगता कि गांधी उतना अच्छा मूवमेंट पहली बार में कर पाते, ठीक है। यस, डायरेक्टरी सिस्टम वगैरह सब कुछ आया था, ठीक है, याद रखेंगे। होम रूल लीग, ठीक है, समझेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस 1916, ठीक है। आनंद ने पूछा है कि लीग क्या होता है, बताओ जल्दी भाई लीग क्या होता है। आप लोग, लखनऊ सेशन कांग्रेस का 1916 में हुआ। ये सेशन बहुत फेमस हुआ, क्यों, क्योंकि इस सेशन में दो चीजें हुई। पहली चीज क्या हुई, यूनिटी हुई, और दूसरी चीज क्या हुई, कॉम्प्रोमाइज हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी भारत के इतिहास में एक साथ पिक्चर में आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना पिक्चर में आ गए थे 1913 में, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में दादा भाई नरोजी के ऑफिस में काम करते थे, उनके ऑफिस में, समझ रहे हो, उनके ऑफिस में एज अ सेक्रेटरी काम करते थे, मतलब प्रैक्टिस लॉयर थे, बैरिस्टर थे ये मोहम्मद अली जिन्ना। वहीं पे एक दादा भाई नरोजी के दोस्त थे, उनकी बिटिया से प्यार यार हो गया, तो मोहब्बत कर लिए, शादी कर लिए। तो जब ये इनकी डेथ हुई जिन्ना की, तो उस बिटिया, मतलब उस अपनी वाइफ के नाम पे एक रुपए की संपत्ति नहीं छोड़ी, सारी संपत्ति अपनी बहन के नाम पे कर दिया था जिन्ना ने, ठीक है। पहली बात, जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में आते हैं, फिर ये कांग्रेस को मुस्लिम लीग को एक करना चाहते हैं। 1916 में जिन्ना की हेल्प की वजह से एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। कॉम्प्रोमाइज क्या था, ये अगर गलती हम ना करते तो आज हमारे सामने पाकिस्तान नहीं होता, ये गलती और पाकिस्तान बन गया। अब इस गलती में हुआ क्या था, हमने हिंदू मुस्लिम एक कर लिया और बोला कि आगे चल के हम दोनों मिलकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे। उसके लिए मुस्लिम लीग ने एक ही शर्त रखी कि सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम को कांग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये कॉम्प्रोमाइज कहलाता है। यूनिटी क्या थी, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक हो गए थे इसी टाइम, ठीक है। तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बोथ वर इक्वल एट द सेम टाइम, ये भी एक बहुत फेमस चीज है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम, ठीक है, यस, फॉर्मेशन ऑफ साबरमती आश्रम। गांधी आए 1915 में, आते ही साबरमती आश्रम के बाद सीधे चले गए, बोले चंपारण सत्याग्रह, फिर चले गए अहमदाबाद, और फिर चले गए खेड़ा सत्याग्रह। तीन डेब्यू पिक्चर थी, बिकम वेरी फेमस, फिर एक सुपरहिट पिक्चर आई, तीनों डेब्यू पिक्चर थी, फिर इनकी सुपरहिट पिक्चर आई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी एक्ट लाइक खान, 100 करोड़ का कारोबार इस पिक्चर ने किया, लेकिन लास्ट में धोखा हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट,
गांधी ने मूवमेंट बंद कर दिया, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। आजकल वायसराय पढ़ रहे हैं इसलिए मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करता हूँ, इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। आप ये मैराथन सेशन में, जो नए बच्चे हो मैराथन सेशन में जाके कर सकते हैं, ठीक है। आए हो सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट मॉन्टेगू अगस्त डिक्लेरेशन 1917, ठीक है, मॉन्टेगू अगस्त डिक्लेरेशन 1917, ठीक है। तो 1917 के जो मॉन्टेगू के अगस्त डिक्लेरेशन थे ये क्या था, तो याद रखेंगे, इन अगस्त डिक्लेरेशन मॉन्टेगू प्रोविजन फॉर द इंडियंस इनकॉर्पोरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाहता था कि इंडियंस के नंबर बढ़ाए जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए, इसको लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में मॉन्टेगू अगस्त डिक्लेरेशन आता है, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, यस। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-1921, अगर वही चल रहे हैं भाई सब अभी, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919, ये कल करेंगे, टुमारो सेशन, सभी एक्ट में कल करा रहा हूं इसलिए अभी स्किप करता हूं। रॉलेट एक्ट आया, अब रॉलेट एक्ट क्या था, अभी उस एक्ट में नहीं है इसलिए अलग पढ़ाना पड़ेगा। रॉलेट एक्ट ये था कि उस समय होम रूल लीग, ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से प्राइस राइज कर गया था, महंगाई आ गई थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आया था, ठीक है। बेटा वही तो पढ़ा रहा हूं साक्षी, अभी मैंने आपको पढ़ाया ये, अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब अगस्त वो आएगा तो वो आगे पढ़ाऊंगा। ये डिक्लेरेशन है, उसमें डोमिनियन स्टेटस पहली बार हमारे सामने ब्रिटिश की तरफ से बोला गया कि हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तब इंडिया पूर्ण स्वराज के लिए बैठा था तो इंडिया ने माना ही नहीं। ये अभी आगे देखेंगे, ठीक है, अभी आगे देखेंगे बेटा, वहां पर देखेंगे, ठीक है। नीतीश लीग, देखो बेटा सिया ने लिखा हुआ है, आप लोग इतने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो मुझे कमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, एक लिंक टूट जाती है, मैं बोला ना लास्ट में पूछ लो मैं बता दूंगा, चलो मैं बता देता हूँ। लीग में बेटा एक ही चीज हुई थी, बहुत ध्यान से सुन लो, समय भी जा रहा है उसके लिए मैं बता दूं। लीग में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, बस वो याद रखना। लीग क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, दैट बिकम द लीग, ठीक है। गवर्नमेंट की उसमें परमिशन नहीं होती है, गवर्नमेंट से ऑथोराइजेशन नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए आपको किसी लाइसेंस किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। जैसे अभी आप बना लो आईपीएल लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, अब इसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट का क्रिकेट खेलने के लिए आपको नहीं रखना है, वो तो दूसरी चीज है, बीसीसीआई परमिशन लेती है क्योंकि क्राउड आएगा सब आएगा उसके लिए होता है, लीग के लिए आपको किसी लाइसेंस वगैरह की नीड नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू बेटा साक्षी। देखो नेक्स्ट जलियांवाला बाग मसेकर, अब सब रॉलेट एक्ट तो पढ़ा लेने दो यार, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो, थोड़ा सा लोग को देखने दो यार, लिंक टूटेगा। मैराथन सेशन में बच्चों ने काफी बोला कि सर बीच में मत बोला करो, कमेंट पे लिंक टूटता है। देखो होम रूल लीग आया, वर्ल्ड वॉर हुआ, प्राइस राइज कर गया, महंगाई हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, सब परेशान, यूथ स्पीक फॉर एसएससी चल रहा था, बोला भैया जॉब दो, लोगों ने रेवोल्यूशनरी स्टार्ट हो गया, लोगों ने अंग्रेजों पे अटैक करना शुरू किया, ठीक है। तो याद रखेंगे जब अंग्रेजों ने अटैक करना शुरू किया, ये सारी चीजें जब वहां पे स्टार्ट हुई, तो फिर वहां से ब्रिटिश एक एक्ट पास करता है जिसे ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में बोला नो अपील, नो दलील, नो वकील, अगर तुमको भाई साहब पकड़ लिया हमने कुछ भी गलत करते हुए, तो ना तो तुम अपील कर पाओगे, ना तो तुम दलील कर पाओगे, ना तो तुम वकील कर पाओगे, तुमको तुरंत पकड़कर जेल भेज देंगे हम, ठीक है। ये बोला गया, काला कानून बोला इसको गांधी ने, और गांधी ने इसके खिलाफ में स्टार्ट किया रॉलेट सत्याग्रह। उसको गांधी क्या कहते हैं मालूम है, गांधी कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा भूल है रॉलेट सत्याग्रह, क्यों, गांधी ने स्टार्ट किया और उसी में क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू रॉलेट सत्याग्रह में थे, इनको जेल में बंद करके भेज दिया गया रॉलेट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और जब इनको जेल में मतलब इनको मतलब इम्प्रिजन करके और बाहर भेज दिया गया, तो इसके लिए एक पीसफुल मार्च चल रहा था पंजाब में, और जब वो पीसफुल मार्च पंजाब में चल रहा था उस समय, तो इस पीसफुल मार्च में क्या हुआ था मालूम है, इस पीसफुल मार्च में एक बहुत खास इंसिडेंट हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल किचलू के रॉलेट एक्ट के अंडर में इम्प्रिजन करने के अगेंस्ट में पंजाब में पीसफुल मार्च चला। इस पीसफुल मार्च में गोलियां चला दी गई उन पीसफुली मार्च पे,
तीन लोगों को, तीन लोग घायल हुए थे, एक की डेथ हो गई थी, एक या दो लोग की डेथ हो गई थी, तीन लोग घायल हुए थे। जब ये वहां पर हुआ तो फिर लोग बैसाखी के दिन इसके खिलाफ में इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, और वहीं पे भाई साहब गोली मारने का आदेश ऑर्डर दे दिया जनरल डायर ने, गोलियां चली, लोग मारे गए। ठीक है, इसी मसेकर के खिलाफ में अगेन सेकेंड टाइम हंटर कमीशन इस्टेब्लिश होता है, सेकेंड टाइम हंटर कमीशन इसी के अगेंस्ट में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बाद में देख लेना अंत का। ठीक है, लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, व्हाट इज दैट, ये क्या है? गांधी सुपरहिट पिक्चर, खिलाफत क्यों हुआ? खिलाफत इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने बोला था कि वर्ल्ड वॉर में टर्की जर्मनी की साइड से लड़ रहा था, तो ब्रिटिश ने बोला था कि अगर हम जीत गए तो टर्की को डिसइंटीग्रेट कर देंगे और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे, वहां पे इलेक्शन कराएंगे और खलीफा की पोजीशन को एंड कर देंगे। अब खलीफा कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में जो कुछ है इस्लाम का वो खलीफा है जिता। तो इसलिए इस्लाम के लोगों ने अरब में शुरू किया खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स ने इंडिया में शुरू किया, मोहम्मद अली शौकत अली, इन दोनों ने इस चीज को इंडिया में स्टार्ट किया था। ठीक है, और जब इन लोगों ने इस दोनों चीज को इंडिया में स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट को, तो गांधी ने बोला टुडे मुस्लिम टुमारो अस, और गांधी ने यह भी बोला अगले 100 साल में ऐसा समय नहीं आएगा जब हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। जो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल खेला था ना, तो ब्रिटिश ने इंडिया, मतलब गांधी ने बोला यूनाइट एंड फाइट, हम खिलाफत को सपोर्ट करेंगे, खिलाफत के साथ रहेंगे और खिलाफत के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है खिलाफत, और खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसका पूरा नाम यह था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों साथ में चलते हैं। मोहम्मद किमान पासा आ जाते हैं, चुनाव हो जाता है, सब कुछ इस्लाम के लोग अपने आप चुनाव करा लेते हैं, तो खिलाफत सब बंद हो गया, तो इंडिया में भी बंद हो गया, बाद में नॉन कोऑपरेशन अकेला रह गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई, 12 फरवरी 1922 को बारदोली रेजोल्यूशन, बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बारदोली रेजोल्यूशन पास करके गांधी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पूछा जाता है नॉन कोऑपरेशन, आपने ये तो पढ़ा होगा कि 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन एंड हुआ था, बट बेटा क्या ये नॉन कोऑपरेशन जो एंड हुआ था ये किस रेजोल्यूशन से हुआ था? तो लिख लो बारदोली रेजोल्यूशन, बिकम वेरी फेमस, क्योंकि उस समय गांधी बारदोली में ही थे जब उन्होंने यह डिसाइड किया था कि अब नॉन कोऑपरेशन को क्या कर दो, बंद कर दो। क्यों गांधी ने ऐसा किया? गांधी को मालूम था वायलेंस हो गया है, अब ब्रिटिश उठाएगा डंडा मारेगा, सब खत्म हो जाएंगे, इसीलिए इसको रोक दो। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी पूना, बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, पूना में वुमेन्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई। सैडलर कमीशन स्टैब्लिश किया गया, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज आएगा, हंटर कमीशन के बाद में सेकेंड कमीशन जो एजुकेशन पे बना वो सैडलर कमीशन था, जो एजुकेशन पॉलिसी पे बना। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड में एक और चीज है, इसी समय तिलक की डेथ हो गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बेटा डेथ हो गई इसी समय, और इसी समय तिलक को लेकर एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें सबको 1 रुपए डोनेट करने थे, 1 करोड़ रुपए जुटाने थे, उससे चरखा बांटना था, चरखा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और जिससे लोग सेल्फ सफिशियंट बने, सेल्फ रिलायंस बने, उसके लिए चरखा बांटना था। क्लियर है, ये जो था ये 1 अगस्त 1920 को, तो ये स्टार्टिंग था नॉन कोऑपरेशन का। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन के स्टार्टिंग के टाइम में तिलक की डेथ हो गई थी, इसलिए कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तिलक इस समय थे कि नहीं थे, तो बोलोगे नहीं थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही हो गया था। इस पे मैंने एमसीक्यू कराया है, लोगों ने गलत आंसर दिया है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, एक और बहुत फेमस चीज है यहां पर देख लेना। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में देखो, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का अलग क्लास है, एक्ट एक्ट के बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सब कराऊंगा, वरना यहाँ बहुत टाइम चला जाएगा, पता चला हम यही कराते कराते रात हो गई। ठीक है, गदर ज्यादा है नहीं, लाला हरदयाल सिंह ये लोग वहां पे स्टैब्लिश किए, एक न्यूज़पेपर था गदर न्यूज़पेपर, अंग्रेज राज का काला चिट्ठा, 14 पॉइंट डेली छपता था, क्यों? यूनिवर्सल लेवल पर ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी को ये एक्सप्लेन करते थे, दैट्स इट गदर। अब गदर फेमस क्यों हुआ? कामागाटा मारो इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में कराऊंगा। ठीक है, देखो यहां पे
दो चीज मैं कवर अभी नहीं कर रहा हूं, पहली चीज मैं नहीं कवर कर रहा हूं एक्ट, और सेकंड नहीं कर रहा हूं रेवोल्यूशनरी, क्योंकि मैं आगे दो क्लास बस इसी पे लूंगा, रिवीजन आपका कंप्लीट। मैराथन, मैराथन के बाद मेरे रिवीजन के कम से कम 7 से 8 लेक्चर देख लो और चले जाओ एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को देने चले जाओ, ये नहीं कि इंजीनियरिंग का देने चले जाना, ऐसा एग्जाम जहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं आप सब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है, तो एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ठीक है, और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन पर्सन बिकम द गवर्नर, ठीक है, ये पहले इंडियन पर्सन थे जो गवर्नर बने थे, एसपी सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बिहार का गवर्नर, तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में चोरी चोरा हुआ जो मैं आपको बोला 5 फरवरी को, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन विड्रॉल हो गया, मोपला रिबेलियन इन्हीं के टाइम में हुआ, अभी मैंने कवर किया हुआ है पीजेंट रिवोल्ट में, इन सब रिवोल्ट में, ठीक है, तो मोपला ऑलरेडी कवर्ड बाय, ठीक है, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में वहां देख लेना। नेक्स्ट, रिपील ऑफ द प्रेस एक्ट, देखो फिर आ गया, प्रेस एक्ट पे जो जो प्रेस पर रोक लगी थी ये स्वदेशी के टाइम लगा दी गई थी, इनको एंड किया गया, रॉलेट एक्ट का एंड हुआ किनके टाइम में, रीडिंग के टाइम में, तो लॉर्ड रीडिंग वॉज डी वॉइस रॉय जिन्होंने प्रेस एक्ट और रॉलेट एक्ट को रिपील किया था, याद रख लेना है। ठीक है, डेट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबोल्यूशन ऑफ कॉटन एक्साइज, सॉरी कॉटन एक्साइज, जो कॉटन पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी ना उसको एबोलिश किया गया, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये जो था इसको भी एबोलिश किया गया था, ठीक है, सॉरी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। ठीक है, आपने सुना होगा आईपीसीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, सीआरपीसी, और उसके बाद सीपीसीसी, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा, ये सब इंडिया में 1861 के टाइम में आए थे, ठीक है, जो काउंसिल पास हुई थी उसके टाइम में आए थे, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे, इनको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके द्वारा और मजबूत किया गया था। ठीक है, कम्युनल राइट्स मुल्तान में हुए थे, अमृतसर में, दिल्ली में, अलीगढ़ में, अरवी में, कलकत्ता में, इन सभी जगह पे बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स भी इसी सभी हुए थे, क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में और क्या होता, काकोरी ट्रेन रॉबरी, राम प्रसाद मिसमिल, सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, अशफाक उल्ला खान, ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद, सचिन, इन सब ने मिलकर काकोरी कॉन्स्पिरेसी की थी, 16 किलोमीटर लखनऊ के पास में एक छोटा सा स्टेशन है, वहीं पर ट्रेन की रॉबरी हुई थी, और इस रॉबरी में जर्मन मेड, समझो जर्मन मेड माउजर पिस्टल का यूज किया गया था इसी में, ठीक है, इसी में, ठीक है, काकोरी में, ठीक है, याद रखेंगे। और इस समय ये लूटा था इन लोगों ने, क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ट्रेन को लूटा था जिसमें बहुत सारी चीजें जा रही थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, आसाम में, खासकर बंगाल का नॉर्दर्न जलपाईगुड़ी वाला पॉइंट है ना, वहां पे आसाम में, मणिपुर में, ये बहुत फेमस है स्वामी श्रद्धानंद, इनका एक मुस्लिम पर्सन ने मतलब इनके ऊपर अटैक कर दिया था, इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से भी राइट्स बंगाल में बहुत तेजी से फैले थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्वराज पार्टी बाई सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इसी समय जो लोग नहीं चाहते थे कि गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड करें वो थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, दोनों बैरिस्टर थे, गांधी के आंदोलन में आ गए, रिजाइन कर दिया, कहीं के नहीं बचे, गांधी ने मूवमेंट बंद कर दिया, तो इन्होंने नई पार्टी बना ली स्वराज पार्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये प्रो चेंजर्स बोले जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि गांधी के गांधीयन मेथड में बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट, डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर द आईसीएस बोथ दिल्ली एंड लंदन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1923। अब जो आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विस का एग्जाम लंदन में होता था, अब लंदन की जगह दिल्ली में भी होगा, इसका डिसीजन लिया गया साइमल्टेनियस। ठीक है, अब ये डिसीजन 1923 में हुआ था, ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड इरविन और लिनलिथगो, इनसे यूपीएससी में क्वेश्चन के ज्यादा चांस रहते हैं। देखो, साइमन कमीशन इन्हीं के टाइम में इंडिया आया, साइमन कमीशन को आना था 1929 में, इस कमीशन को बना दिया गया 27 में,
ये भारत की धरती पर आ गया 1929 में, 8 में। हमने इसे साइमन गो बैक कह के भेज दिया वापस। अब आखिर ये साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया? जो डायरकी आई थी ना 1919 के एक्ट में, उसके ऊपर रिसर्च करने और क्या सक्सेसफुल रही कि नहीं रही, उस पर आया रिसर्च करने। हमने साइमन गो बैक बोला, उसी में थे लाला लाजपत राय, उन्होंने भी बोल रहे थे लाला जी के ऊपर लाठी पड़ी, सांडर्स ने ऑर्डर दिया था, उनकी डेथ हो गई, उसी में भगत सिंह ने सांडर्स को मार कर बदला लिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, उनके बाद उनको भी हैंग कर दिया गया। ये सब आपको मालूम है, ये हम रिवोल्यूशनरी में कवर करेंगे अलग से, ठीक है। तो बस मैंने शॉर्ट में बता दिया, जिसके लिए नॉलेज में रखना, परसों की क्लास में कवर करेंगे, कल एक्ट करेंगे सब, ठीक है। देखो यहाँ पे, एंड द बायकॉट ऑफ द कमीशन बाय इंडियंस, ठीक है। तो साइमन कमीशन आया, कमीशन को बायकॉट हुआ, और साइमन कमीशन दिल्ली वापस जाकर बोला लंदन कि डायर की इंडिया में फेल हो गई है, ठीक है। ये साइमन कमीशन के पॉइंट थे, क्लियर है, याद रखेंगे, यस। नेक्स्ट, एंड ऑल पार्टीज, देखो सिया तो आपको चैट में ही नोट्स बना के दे देगी, बहुत अच्छा वर्क कर रहे भाई सब, सिया आर्यन, थैंक यू सो मच। आप तो यार पूरा नोट्स आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे बनाने की नीड ही नहीं है। देखो, एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लखनऊ 1926 में हुआ था, जिसमें यह सजेशन दिया गया था कि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, और इसी में मोतीलाल नेहरू ने अपने पॉइंट दिए थे, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला गया था। अंग्रेजों ने जानबूझ के इसको नेहरू रिपोर्ट बोला, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे दैट बिकम वेरी फेमस, दैट्स वाई अंग्रेजों ने इसको नेहरू रिपोर्ट बोला। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन की बात नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया, और डोमिनियन स्टेटस पे अब जो बाकी लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने भी रिजाइन मतलब मना कर दिया, तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट फेमस मतलब फेल हो गई, और ना उसको ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया, ना कांग्रेस ने, और ना मुस्लिम लीग ने, किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला था, क्लियर है, याद रखेंगे, क्लियर है। देखो यहां पे, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द हार्कर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन इन 1927, ये कौन सा कमीशन आ गया भाई साहब, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द हार्कर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन 1927 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे रिसर्च करने के लिए, और क्या इंडियंस को, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए, क्या इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए, इसको लेकर रिसर्च, मतलब मन नहीं था लेकिन एक रिसर्च हो रहा था कि क्या अगर ऐसा करे तो कुछ काम बन पाएगा। तो हार्कर्ट बटलर कमेटी बनाएगी, कमीशन की जाओ रिसर्च करो कि क्या इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस दे दो तो हमारा कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। तो बटलर कमेटी ने बोला सब बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बटलर कमेटी जब तक रिसर्च करके रिपोर्ट देती तब तक हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने बोला पूर्ण स्वराज, अब हमें आजादी चाहिए, लेके रहेंगे आजादी, ठीक है, ये पूर्ण स्वराज की बात आ गई। बटलर को भगा दिया गया, बोला जहां तुम्हारा काम ही नहीं है, अभी सब तो डोमिनियन से आगे बढ़ गए, बोले आजादी चाहिए, ये हालात हो गए थे। और जब हमने 1929 में पूर्ण स्वराज, देखो यहां पे लिखा हुआ है 1929 में पूर्ण स्वराज हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ, कहां पे, लाहौर में, ठीक है। और जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ, ट्री कलर फ्लैग होस्ट किया गया, 26 जनवरी की बात है, इसीलिए 1929 1947 तक इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते थे, और 1947 के बाद हमने इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पास करके उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ हमने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहां से हमारा एक रिपब्लिक डे शुरू हो गया, इंडिया एज अ रिपब्लिक बन गया, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जो है सब यही है, ठीक है, हम जो हैं हम यही के हैं, ठीक है, अन अकेडमी के ही हैं, खरीद लिया मेरे को भाई साहब। मर्डर ऑफ सॉन्डर्स का मर्डर हो गया, ठीक है, भगत सिंह ने किया इसी समय, ये एएसपी थे सॉन्डर्स, ठीक है, तो ये मैं कल कराऊंगा, आपको मालूम है कि ये तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, परसों देखेंगे ही, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। नेक्स्ट देखो, डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ, कैसे, लाहौर रेजोल्यूशन आया, समझो क्रोनोलॉजी समझो, लाहौर रेजोल्यूशन आया, हमने बात की पूर्ण स्वराज, वो इरविन बोला सॉल्ट टैक्स, हमने बोला पूर्ण स्वराज, तो इरविन ने बोला बहुत प्यार से लाओ भैया दो सॉल्ट टैक्स, गांधी बोले बहुत प्यार से सॉल्ट इज नेक्स्ट टू एयर एंड वाटर, हवा पानी के बाद में कुछ ज्यादा जरूरी है तो नमक ही है,
चीनी ना तो चलेगा, शुगर मत तो चलेगा, लेकिन हवा तो मतलब नमक तो चाहिए। गांधी पहुंचे डांडी, मुट्ठी भर नमक उठाया, नमक कानून तोड़ दिया। कानून टूट गया तो मूवमेंट का नाम बदल गया, मूवमेंट का नाम हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा हो गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिकम वेरी फेमस। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये भी थोड़ा सा उसी को लेकर था, डोमिनियन स्टेटस को लेकर। ठीक है, लेकिन ये भी फेल हो गया, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि पूर्ण स्वराज इसी समय आ गया था। ये अक्टूबर में इन्होंने बात की, सॉरी अक्टूबर में इन्होंने फोकस किया था कि हम लोग कुछ करें, और दिवाली डिक्लेरेशन आया जनवरी की स्टार्टिंग में आया, और 26 तारीख को हमने पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी। नेक्स्ट, बायोकॉट ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंग्लैंड के लोगों ने बोला, इरविन ने बोला गांधी से, अरे तुम्हारी बात मान लेंगे चलो तो वहां, तो बोले कहां चले, तो बोले चलो वहां, कहां, तो बोले लंदन चलो क्योंकि हम तो ठहरे मुलाजिम, हम तो नौकर है, हम कुछ भी करें हमारी बात वो मानेंगे नहीं, तुम चलो वहां अपनी बात रखो। इसलिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है। तो गांधी ने पहले में कांग्रेस भी नहीं गई, गांधी भी नहीं गई, अंबेडकर तीनों में गए। तो सेकेंड में गांधी मतलब राउंड गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर गांधी जाते हैं, गांधी गए, गांधी को धोखा मिल गया, फिर गांधी आए, बोले फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब गांधी ने जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल फेमस मतलब नहीं चला, गांधी आकर फिर से स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडियंस। और जैसे गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस फिर से स्टार्ट किया, लोगों ने बोला कि अरे यार मतलब ये क्या आदमी है, एक बार हम सब कुछ काम छोड़ के इनके पीछे आते, बंद कर देते, फिर आए, बोले फिर चलो अब। लेकिन ये उतनी ताकत के साथ में स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत लोग खिलाफ हो गए थे, इसीलिए गांधी को उठा के जेल में बंद कर दिया। अंग्रेजों को मिल गया फायदा कि गांधी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, उठाओ और ले चलो इनको बंद कर दो। गांधी को ले जाकर बंद कर दिया एरवाडा जेल में। जब गांधी को एरवाडा जेल में बंद किया, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर पहुंच गए और बोले हम देखो तीनों में आ रहे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, हमारी बात मान लो, हमको कुछ ना कुछ तो दो, हम सुसाइड कर लेंगे भाई साहब। यही अंग्रेजों ने बोला चलो यार दे देते। तो अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड, रामजी मैकडोनाल्ड पीएम थे, कम्युनल अवार्ड आ गया। और कम्युनल अवार्ड में यह बोला गया कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द माइनॉरिटी SC ST, अब SC ST के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आ गए। लोगों ने बोला अरे यार गांधी को जैसे पता चला, गांधी को पता चल गया मुस्लिम के लिए आया तो अलग एक देश बनेगा ही, अगर SC ST के लिए आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, ऐसे देश के टुकड़े हो जाएंगे, फिर कल को दूसरे लोग चले जाएंगे, बोलेंगे हमको भी दो। ठीक है, तो सबको देना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। और जब ये प्रॉब्लम यहां पे आती है तो फिर गांधी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर लेते, बोलते तब तक पानी का एक बूंद नहीं पीऊंगा जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती। भाई साहब अंग्रेजों को मालूम चल गया, अगर ये गया तो कांग्रेस भी गई, अंग्रेज भी गए, क्योंकि भारत के लोग तो फिर समझ लो कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, गैंग ऑफ वासेपुर हो जाना है। ठीक है, तो सब लोगों ने आए, बोले लोग कि भाई मान जो अंबेडकर को उठा के लाए गोदी में, अंबेडकर को लाए। आप लोगों में से जो लोग पुणे के होंगे उनको मालूम होगा शिवाजी स्टेशन है, वहीं सामने मेयर का हाउस है, उसी हाउस में पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, तो पूना पैक्ट वहीं पे साइन हुआ था। ठीक है, 1932 में, डेट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस भी स्टार्ट हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। ठीक है, डेट वॉज द पर्सन वेलिंगटन, या डी लिखा है, टी भी लिख लोगे तो सही होगा, ऑक्सफोर्ड की बुक में आपको डी मिलता है, इंडियन सर्वी बुक में टन मिलता है, वेलिंगटन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास्ट। ठीक है, ये हम कब देखना है, टुमारो। नेक्स्ट, ऑल इंडिया किसान सभा यहाँ पे बनी, ये मैंने ऑलरेडी पीजेंट मूवमेंट में पढ़ा दिया है। ठीक है, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण ने, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र ने यहां पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश की थी। एंड बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, जिसको थर्ड बर्मीज वॉर में हमने बर्मा मिला लिया था, 1935 में बर्मा अलग हो गया, कब, 1935 में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द बिकम एनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो। क्लियर है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे, फर्स्ट इंग्लिश फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936-37 इन्हीं के टाइम में हुआ, समझो 1935 का एक्ट आया, इस एक्ट पे इनने बोला सबसे कि तुम चुनाव लड़ो, सबने मना कर दिया। 1937 में सबने बोला हम लड़ेंगे,
11 प्रोविंस में चुनाव हुआ, 9 में कांग्रेस जीती और 2 में मुस्लिम लीग जीती। मुस्लिम लीग का जमानत जब्त हो गया बाकी स्टेट में, तो मुस्लिम लीग ने यहां से दिमाग लगाया और इन्होंने एक नया गेम खेल दिया। उस गेम को हम बोलते हैं टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान की डिमांड, लाहौर रेजोल्यूशन, एनदर। ठीक है, तो दैट बिकम एनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप में से जिन बच्चों को लग रहा है बहुत फास्ट चल रहा है बेटा, दिस इज द रिविजन क्लास, मैंने मैराथन क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से, आप उसको अटेंड जरूर करेंगे। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास बाय दीपक सिंह सर। ठीक है, आज के नोट्स के लिए और भी पुराने नोट्स के लिए आप दीपक सर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड नहीं करना, ज्वाइन करेंगे, सॉरी। नेक्स्ट देखो, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है याद रखेंगे, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उस समय सुभाष चंद्र बोस की क्या पोजीशन थी, 1938 में हरिपुरा सेशन, हरिपुरा कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा, इस कांग्रेस के सेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं। 1939 में एक और सेशन होता है त्रिपुरी में, ठीक है, जबलपुर के पास में, ठीक है, और इस जगह पे फिर से एक बार, ठीक है, एक बार बहुत फेमस होते हैं, कौन, एनदर पर्सन बिकम वेरी फेमस जो यहां पे हुए थे, वो पर्सन थे याद रखेंगे, डेट पर्सन इज कॉल्ड, सॉरी, पट्टाभी सीतारमैया थे, जिनको गांधी का सपोर्ट मिला था, इन्होंने बोला गांधी ने मुझे बोला है कि तुम चुनाव लड़ो, तब भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, समझ लो गांधी से ज्यादा लोकप्रियता और पॉपुलरिटी बढ़ गई थी सुभाष चंद्र बोस की, त्रिपुरी सेशन में ये जीत गए थे 1939 में। ठीक है, तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, रेजिग्नेशन ऑफ द बोस इन 1939, जब बोस को ये लगा कि गांधी के खिलाफ जाके सही नहीं है मामला, और बोस को लगा कि यार इस पोजीशन को लेकर मैं क्या करूंगा, इसने इन्होंने रिजाइन कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक को बना दिया था, ना एक अलग पार्टी बना दी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से, फिर चुपके से अंग्रेजों के ध्यान रखने के बाद चुपके से ये भाग गए। ये पहले पहुंचे कहां पे, सभी को मालूम है, ये पहले पहुंचे जर्मनी, हिटलर के पास पहुंचे, हिटलर ने इनको सिंगापुर भेजा, वहां पहुंचे तो मोहन सिंह नाम का एक आदमी था जो ब्रिटिश आर्मी में था, इंडियन ऑफिसर था, उसके मन में पहली बार आजाद हिंद फौज, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का एक सपना आया था, वो सोचा था करने के लिए, बाद में उसको राज बिहारी बोस ये सब लोग मिलकर बनाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस को 1943 में उसकी कमान सौंप दी जाती है कि अब तुम लीड करो आजाद हिंद फौज की। ठीक है, तो लीड करने वाले पर्सन थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, क्लियर। तो इनकी स्टोरी यहां पे मैंने एज अ फैक्ट बता दी। नेक्स्ट है लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940, जिसमें मुस्लिम लीग ने डिमांड की सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान वॉज डिमांडेड इन लाहौर रेजोल्यूशन, तो तुम बोलोगे नहीं, पाकिस्तान नाम अभी आया ही नहीं था, ये नाम बाद में आएगा। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन में जब सेपरेट स्टेट की मांग हुई तब पाकिस्तान नाम तो था ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त ऑफर आया था 1940 में, अगस्त में क्या था, इस अगस्त ऑफर में बोला तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, कब देंगे, तो बोले सब देंगे आफ्टर वॉर देंगे। तो हमने बोला नहीं अभी चाहिए, बोला नहीं वॉर के बाद देंगे, डोमिनियन स्टेटस की बात आई थी। क्वेश्चन आता है यहां से, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने डोमिनियन स्टेटस की कहीं बात की तो अगस्त ऑफर में की थी, इससे पहले ब्रिटिश ने कभी नहीं बोला कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, वो तो मुसीबत में थे ना, वर्ल्ड वॉर चल गया था, प्रेशर आ रहा था, अमेरिका चाइना बार बार इंग्लैंड को दिए झापड़ झापड़ बोल रहा था, बोला था मान जाओ यार, बोल दो डोमिनियन स्टेटस दे दो उसकी मांग, क्योंकि बिना इंडिया के सपोर्ट के जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत प्रेशर था इंग्लैंड के ऊपर, इसलिए उसने डोमिनियन स्टेटस की बात को करकर अगस्त ऑफर आया, सब कुछ बात बोलेगी, बोला आफ्टर वॉर, तो हमने बोला नहीं कोई वॉर नहीं, डोमिनियन स्टेटस तो नहीं, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये एक बात हुई, तो इसीलिए याद रखेंगे इसको कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। ठीक है, और उसमें मुस्लिम लीग ने भी इनका साथ दिया, क्योंकि इनके लिए कोई बात नहीं थी, ना सेपरेट स्टेट की ना कुछ की बात की गई थी, ये भी इनको इनके खिलाफ चले गए। नेक्स्ट, विंस्टन चर्चिल 1940 में पीएम बन जाते इंग्लैंड के। ठीक है, सबसे खराब आदमी, ठीक है, इंग्लैंड के लिए अच्छा था, हमारे लिए तो खराब था। एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, 1941 में भाग गए थे आप सभी को मालूम है, और 1943 में आजाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज किया। जब अगस्त ऑफर से कोई बात नहीं बनी तो क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा गया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन इंडिया आता है, और जब क्रिप्स मिशन इंडिया आया तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन से चार लोग क्रिप्स मिशन में आए थे।
तीन लोग, कौन से तीन लोग क्रिप्स मिशन में आए थे कमेंट करके बताओ, ठीक है। यस यस यस, तो वही तो बेटा है यहां पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रिप्स प्लान आया, ठीक है, ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट्स रिजेक्शन बाय द कांग्रेस। क्रिप्स आए बोले कि काम करो, डोमिनियन स्टेटस अभी ले लो, बाकी सब असेंबली जो है वो बना देते हैं और आफ्टर वॉर बैठ के बात कर लेंगे, अभी सपोर्ट कर दो। तो गांधी ने बोला पागल समझे हो गया। हाँ, गांधी ने बोला कि ये तो क्रशिंग बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हम तुम्हें बचा लेंगे, अरे अपने को तो बचा लो। गांधी ने ये कह के क्रिप्स को बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया और क्रिप्स यहां से चले गए। नेक्स्ट देखेंगे, पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, अंग्रेजों भारत छोड़ो शुरू हो गया, ठीक है। अगस्त रेवोल्यूशन भी बोला जाता है इसीलिए क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे इन सभी को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। इन सभी को उठाकर, स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और गांधी के अच्छे दोस्त थे, ठीक है, इन सभी को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। और इसीलिए यह बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट फर्स्ट लीडरलेस मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट लीडरलेस मूवमेंट बोला जाता है। तो एक तरफ चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, समझ रहे हो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखेंगे फर्स्ट लीडरलेस मूवमेंट था कौन सा, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ही गांधी ने शुरू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, गांधी ने बोला कि अगर हम चुप हैं तो सब पूरी दुनिया को लगेगा कि ब्रिटिश को हमने सपोर्ट किया, अगर हमको ये हम पूरी दुनिया को लग गया कि ब्रिटिश को हमने सपोर्ट किया है, ठीक है। यस योगेंद्र यू आर राइट, स्टेफर्ड क्रिप्स, यस यस बैनर्जी यू आर राइट, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों नाम पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में एक चीज बहुत खास हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्या खास हुई थी, इसके पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, और सेकंड बने थे जवाहरलाल नेहरू। इस मूवमेंट में गांधी ने यह बोला कि हम लोग ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करेंगे कि वो वॉर में हम उसके साथ नहीं है, क्योंकि अगर हमने वॉर के खिलाफ में चिल्लाया नहीं तो जापान आ जाएगा, और अगर जापान आ गया तो जापान ना खोपचे में ले जाके बहुत मार मारेगा हमको। अब ब्रिटिश से बहुत खराब पावर थी जापान, जब जापान ने चाइना पे अटैक किया था मालूम है क्या किया था, चाइनीज आर्मी के लोगों को जमीन में इतना इतना अंडरग्राउंड कर दिया, सर ऊपर निकाल दिया, टैंकर चढ़वा दिए, सर फट रहे थे ऐसे ऐसे, ये था जापान, ठीक है। इतना बुरा इंडियन के साथ में अंग्रेजों ने नहीं किया था, लेकिन जापान बहुत बुरा था। तो हम सोच रहे थे कि अगर ये नहीं गया तो वो आ जाएगा, इसीलिए गांधी ने बोला कुछ करो नहीं तो मरो, मरो मतलब जापान आ रहा है नहीं तो मरो, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ करो ब्रिटिश के खिलाफ, कुछ करो नहीं तो मरो ना, अगर जापान को ये लग गया कि इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड ब्रिटिश तो वो भी आ जाएंगे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कलकत्ता में बॉम्बिंग करता था कौन, जापान, ब्रिटिश के कैंप पे, इंडिया में कलकत्ता में अलार्म बजते थे, लोग घर में छुप जाते थे, कलकत्ता में बॉम्बिंग होती थी, ठीक है। ये देखो सुभाष चंद्र बोस ने थोड़ा बहुत संभाल लिया था ना, इंडिया में इतना बम गिराता ना जापान के होश खराब हो जाते। देखो डिवाइड एंड क्विट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, तो मुस्लिम लीग ने कराची सेशन में भी उसने एक नारा दिया था, उस नारा का मतलब था क्विट, डिवाइड एंड क्विट। ये अंग्रेजों से बोल रहे थे हमको सेपरेट करो और चले जाओ, हमको बांट दो और चले जाओ, ठीक है, ये बोलते थे कौन, मतलब ये मुस्लिम लीग पार्टी कि बांटो जाओ, ये नारा था, ये स्लोगन था जो कराची सेशन में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई साहब लॉर्ड वॉवेल। लॉर्ड वॉवेल के टाइम में वेरी फेमस सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया, इनने बोला कि देखो अभी तो खैर बाउंड्री की बात नहीं है, अगर बाउंड्री होगी तो लोगों के प्लेबिसाइट पे डिसाइड होगा कि कौन इंडिया के साथ जाना चाहता है कौन पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये राजा जी का, इनको राजा जी फार्मूला भी कहते हैं, ये फेल हो गया क्योंकि सभी इसके खिलाफ हो गए थे, जितने भी ब्रिटिश थे ऑफिसर थे
वो भी खिलाफ थे, सॉरी ब्रिटिश ऑफिसर कह रहे, मुस्लिम लीग खिलाफ थी और मतलब कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, मुस्लिम लीग इसके खिलाफ हो गई, इसलिए ये फेल हो गया। गांधी जिन्ना बीच में मिले, बोले मान जाओ मान जाओ, लेकिन जिन्ना नहीं मान रहे थे, तो ये भी फेल हो गया। तो 1944 में गांधी जिन्ना टॉक्स फेल, ठीक है, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे देश के टुकड़े हों। और सी राजगोपालाचारी जो राजा जी फार्मूला है वो भी फेल हो गया था। और उसी समय एक वॉवेल प्लान जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं वो भी हुआ था। इस वॉवेल प्लान में क्या हुआ था मालूम है? इस वॉवेल प्लान में एक बहुत खास चीज हुई थी, वो खास चीज क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूं। लिनलिथ को जो थे जाने से पहले उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, और वॉवेल प्लान में ये भी हुआ था कि ये डिसाइड किया गया था कि अब इंडियंस को तो इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया था इनके लोगों के अंडर में, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस वॉवेल प्लान में। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, ठीक है याद रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, सेपरेशन की बात इसी में हो गई कि सेपरेट भी करना पड़ेगा, आजादी भी देनी पड़ेगी। इस कॉन्फ्रेंस में ये तो निकल के आ गया था कि ये दोनों तो देना पड़ेगा। और वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तुरंत कैबिनेट मिशन प्रपोज किया गया, ठीक है, जिसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, स्टार्टिंग में जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में किया था, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। और फिर मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन दे दिया, मतलब डिमांड फॉर पाकिस्तान, बोला कि अब या तो पाकिस्तान दे दो या तो हमसे लड़ लो, ठीक है। तो ये यहां पर एक प्रॉब्लम बहुत तेजी से आ गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बलूचिस्तान, देखो भाई साहब बलूचिस्तान लगा हुआ है, और मैं आपको बता देता हूं वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे कब तक रहोगे बेटा? जेब में पैसा नहीं होगा, तुम रिलीजन की बात करोगे, कास्ट की बात करोगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। पुरजोर कोशिश लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं कि कैसे इसको अलग कर दिया जाए, बलूचिस्तान अपनी हरकत में है, ठीक है, याद रखेंगे बलूचिस्तान अपनी हरकत, बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है। 1971 के वॉर में जो बलूचिस्तान के लोग थे जिनने इंडिया को सपोर्ट किया और बलूचिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट किया था, उनके ऑफिसर्स को ये लोग उठा के ले जाते थे पहाड़ के ऊपर ले जाकर, बर्फ में ले जाकर बिना कपड़ों के बांध देते थे, और इनके परिवार वालों के साथ, इनके घर की औरतों के साथ में, सबके साथ में बहुत बुरा किया जाता था, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये बहुत गलत हुआ था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वो बदला पाकिस्तान से बोल नहीं सकता है, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे जो चल रहा है ना, मैंने आशुतोष बेटा मैंने वो करा दिया मैराथन, यहाँ पे जो चल रहा है ना, यहाँ पे आपके ये पोर्शन चल रहे हैं, चलो रिविजन के नेक्स्ट देखो। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, नेहरू इलेक्ट हुए एज अ पीएम, ठीक है। और इसी टाइम सॉल्ट टैक्स एबॉलिश हुआ था, यूपीएससी का फेमस क्वेश्चन, व्हेन सॉल्ट टैक्स वॉज एबॉलिश्ड, तो आप बोलोगे जब नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। इंटरिम गवर्नमेंट में नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो सॉल्ट टैक्स एंड होगा, जिसको लॉर्ड इरविन ने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और क्या था इंपॉर्टेंट। लॉर्ड वावेल जाएंगे क्लिमेंट एटली से बोलेंगे कि साहब अब आजादी दे दो, क्लिमेंट एटली कहेंगे ठीक है हम लोग 31 मार्च को इनको छोड़कर चले जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी आएंगे, ठीक है आखिरी आएंगे। चाइना का तो होना चाहिए, चाइना को तो बेटा मेरे को अगर भगवान शक्ति दे दे तो मैं जाके चाइना को बीच से काट के खा जाऊं, ऐसा हालात लगता है। चाइना इतना पागल देश है, इतना पागल देश है बेटा, वो कहता है कि हमारे लोग पहले जहां जहां घूम के आए थे ना वो सब इलाका हमारा है, हम सब पे कैप्चर करेंगे। इंडोनेशिया थाईलैंड की बात करता है कौन, यही चाइना, वियतनाम की बात करता है यही चाइना, लेकिन भारत वियतनाम को सपोर्ट कर रहा है। बोला टेंशन मत लेना, मोदी आदमी साथ इस चीज में तो मोदी बहुत तेज है, भले ही जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं जानता मैं, इस तेज इस मामले में तेज है, घर में घुस के मारेगा, ये आदमी तो तेज है। और इंडिया को इसी की नीड है, सब कुछ आ जाएगा, इज्जत चली जाएगी तो कैसे आएगी, ठीक है। जून 3rd प्लान बिकम वेरी फेमस, इसको अनाउंस किया गया था, इसी दिन बोला गया इंडिया को हम आजादी देकर चले जाएंगे और दो सेपरेट नेशन बनाए जाएंगे, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, और कोई जो अपना अलग रहना चाहता है इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। ये गेम कार्ड इन्होंने खेला। अच्छा आप में से कोई बताएगा कि ये गेम कार्ड इन्होंने क्यों खेला, पाकिस्तान इन्होंने क्यों बनाया ब्रिटिशर्स ने? अगर वो चाहते तो नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया मालूम है? क्यों बनाया पाकिस्तान बताओगे? देखो बेटा इसलिए बनाया था, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
इनको मालूम था कि अफगानिस्तान मतलब रसिया अफगानिस्तान पे आएगा, और अफगानिस्तान से रसिया को अगर भगाना है तो फिर हमें एक बेस चाहिए। कोल्ड वॉर यहां पे स्टार्टिंग हो गई थी, कोल्ड वॉर की हमें एक बेस चाहिए होगा। वो बेस हमें इंडिया तो नहीं देगा, क्योंकि अब हम चले जाएंगे तो इंडिया दोबारा तो अपने घर में नहीं घुसने देगा, पाकिस्तान घुसने देगा। तो इसलिए इन्होंने दूसरा स्टेट बनाया पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान में अपना बेस बनाकर और अफगानिस्तान से रसिया को भगा दे। ठीक है, ये इसलिए हुआ था। ठीक है, ये एनालिटिकल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और देखो, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन में पास हुआ। ठीक है, भारत को आजादी मिली। ठीक है, लेके रहेंगे आजादी वाली बात हो गई। सिरिल रेडक्लिफ ने बाउंड्री बना दी, उधर पंजाब में बना दी, तो पाकिस्तान पंजाब के बीच में आ गई, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ठीक है, तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ठीक है राम, एक्चुअली मेजर पॉपुलेशन जो है ना, लालू प्रसाद यादव को बहुत लोग बोलते हैं कि पागल आदमी है, लेकिन मेरे लिए वो हीरो है। क्यों मालूम है? वो आदमी बोलता है भोजपुरी में, क्यों? क्योंकि उसकी जनता भोजपुरी है। तो अभी हमारी मेजर जो ऑडियंस है वो बाइलिंगुअल है, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। मैं पूरा इंग्लिश बोलने लगू तो पता है 10 लोग को बैठ के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यस यस, इसे बेटा बेटा आदेश USA के सपोर्ट करने के बाद से ही तो वो बना था। अलकायदा, तालिबान, मुजाहिदीन, तालिबान मुजाहिदीन को मिला दो तो उसको कहते हैं अलकायदा। इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, कभी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से कहानी में, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं। आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग कराए चलेगा? एक कहानी में ऑस्ट्रेलिया पढ़ा देते, पूरा मैप याद हो जाएगा। ठीक है, बताओ तो एक ले लेते हैं, सेशन करा देते हैं। ठीक है, चलो वन सेकेंड, थैंक यू सो मच। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज वॉइस रॉय हो गया, कल हम लोग सारे एक्ट करेंगे, तो कम एंड ज्वाइन द क्लास एट अ टाइम 6:00 शार्प। कोई एक्ट नहीं छूटना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके गाइज।